हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टडी हमारे साथ मैं हूं देवेंदर सिंह स्टडी हमारे साथ चैनल की इस वीडियो में हम जू सी नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो 10 अक्टूबर 2022 को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में इसके 100 क्वेश्चन हम एक साथ ही सॉल्व करेंगे समझेंगे कि जू ने इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे हैं अगर आप जू नेट हिस्ट्री में जे लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ही यही बताएंगे कि कैसे आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है आपने कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ से जो सी क्वेश्चन बार बार बनाता है जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांस होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ही हमें वो बताते हैं कि हमने कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हमने छोड़ कर जाना है अगर हमने ये अपनी स्ट्रैटजी अच्छे से फ्रेम कर ली तो जे हमारा पक्का हो जाता है क्योंकि उससे हमारा समय भी कम लगता है हमें एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है हमें ये पता चल जाता है कि जू जी सी कैसे क्वेश्चन बना रहा है और आने वाले समय में कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं ठीक है तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहले से हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो ये मेरी प्रोफाइल है आपको यदि मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो ये मेरा नंबर है आपकी स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर का और इससे पहले हमने शिफ्ट वन का क्वेश्चन पेपर भी एक्सप्लेन करके डाला था उसका पी भी हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है आप वहाँ से डाउनलोड करिए और अपनी प्रैक्टिस को मूव ऑन करिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चों ने इस बार जे आर किया है आपने उनकी स्ट्रैटी वीडियो जरूर देखना है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर उनके द्वारा दिए गए टिप्स जो बुक लिस्ट है उनको जरूर पढ़िए सुनिए और फॉलो कीजिए वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन मिलेगी इंस्पायरेशन भी मिलेगी ताकि आपको पता चलेगा आपको गाइडेंस मिलेगी तो वो वाली वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा ठीक है और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो ठीक है आप लाइक like नहीं करते हैं देखो भी लाइक like करने से एक तो हमें मोटिवेशन तो मिलता ही है आपके लाइक like करने से हमें पता चलता है कि हमारे काम को आप पसंद कर रहे हैं हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो दूसरा आप जैसे ही लाइक करते हैं ना तो यूट्यूब का सर्च इंजन जी वीडियोस उन बच्चों तक भेज देता है जिन बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत तो होगी आपका एक छोटा सा लाइक कितने लोगों की हेल्प कर देता है आपको भी नहीं पता है तो हमेशा से एक सिम्पथेटिकली तरीके से सोचिएगा आप जैसे बच्चे ही सभी प्रिपेयर कर रहे हैं जो जी सी नेट के लिए तो हम यदि इसका पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने केवल लाइक ही करना होता है तो वो काम आप ज़रूर कर दिया करो उससे हमें तो अच्छा लगता ही है ठीक है यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको ज़रूर दबा लेना ठीक है ठीक है तो पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा उसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक्सप्लानीशन में थोड़ी गलती हो गई थी जिस कारण हम चाहते हैं कि इसको दोबारा से एक्सप्लेन करें देखिए निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले और उसके कालक्रम के अनुसार हम हमने लगाना है सूरत की संधि बड़गाम की कन्वेंशन मंगलौर की संधि पुरंदर की संधि या फिर साला की संधि ये सारी की सारी जितनी भी ट्रीटीज़ हुई हैं उनको आप एक बार नोट जरूर करिए एक नोटबुक पर आप पेज लगा लीजिए हर एक ट्रीटी को आप उठाइए एक एक ट्रीटी के बारे में आप इतना डेप्थ में पढ़िए कि आपको वहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको मिस आउट ना कर पाए देखिए पढ़ते समय एक चीज़ का हमेशा से ध्यान रखिए जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं जब आप किसी मान लो किसी पेज के ऊपर ही आप पढ़ रहे हैं तो उस पेज को यह सोच कर पढ़िए कि इसी पेज में से इसी टॉपिक्स में से इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन आने वाले हैं इतना इनडेप्थ जाकर आप यदि पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें याद भी रहेंगी भूलेंगी भी नहीं और उम्मीद है कि उसमें से यदि कोई क्वेश्चन आ जाए आप उसको गलत भी नहीं करेंगे है ना तो यहाँ पर जितनी भी ट्रीटीज हुई हैं उनको आप एक बार एक एक करके इन सभी ट्रीटीज को लिखिए कौन से समय काल में हुई है कौन से युद्ध के बाद हुई है और इसका कारण क्या था हर एक चीज़ इन डेफ्थ पढ़ के चलिएगा तभी जो जी का एग्ज़ाम क्वालिफाई आप कर सकते हैं जे लेना मुश्किल नहीं होता है ठीक है थोड़ी जी स्ट्रैटजी बना लो तो आपको जे पक्का मिलेगा मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ और मैं चाहता हूँ आप सबका जे हो हमारी तरफ से यदि आपको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है किसी प्रकार की गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप पहले मैंने आपको बताया है कि आप उन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर देखिए सूरत की संधि छः मार्च 1775 को सूरत की संधि हुई थी ठीक है रघुनाथ राव और ब्रिटिशर के बीच में ये संधि हुई थी बडगाम कन्वेंशन हुई थी 13 जनवरी 1779 को ठीक है 13 जनवरी सेवनटीन सेवनटी नाइन को और मंगलौर की संधि हुई थी सत्रह मार्च सत्रह सौ चौरासी को ठीक है सत्रह मार्च सेवनटीन एटी फोर को ठीक है तो आगे बात करें पुरंधर की संधि ये जो, जो पुरंधर की संधि है ना ये इतिहास में दो बार हुई है पहली बार हुई थी ग्यारह जून सोलह सौ पैंसठ को याद रखना सोलह सौ पैंसठ को पहली बार जब ये हुई थी उस समय जो मुगल शासक थे उनका सेनापति हुआ करते थे जय सिंह प्रथम उनके समय काल में हुई थी और उन्होंने ये की थी मराठा छत्रपति शिवाजी के साथ और सेकंड टाइम जब ये पुरंदर की संधि होती है तो वो होती है एक मार्च सत्रह सौ छिहत्तर ईस्वी को ठीक है याद रखना ये मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन होते हैं वारन हेस्टिंग ठीक है याद रखना और साला भाई की संधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी जो जी सी ने बहुत बार क्वेश्चन बनाए हैं सत्रह मई सत्रह सौ बयासी ईस्वी को ये होती है सालाबाई की संधि सत्रह मई सत्रह सौ बयासी ईस्वी को ठीक है अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखिए ए डी ई ए डी बी ई सी ओनली ठीक है ऑप्शन तीन यहाँ पर सही होना चाहिए ठीक है चलिए ये तो वो क्वेश्चन था जो पहले शिफ्ट में पूछा गया था अब यहाँ से जितने भी हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के चलेंगे ठीक है क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इन डेप्थ पूछे गए हैं अगर जू जिस ऐसे क्वेश्चन बना रहा है तो हमें उसको पढ़ते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो भी हमें पता होनी चाहिए ठीक है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि रेखता लेखन एक शैली है जिसमें हिंदी और फारसी दोनों के वाक्यांश और शब्दावलियाँ शामिल होती हैं यहाँ पर देखना है कि कौन सा उत्तर हमारा इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ठीक है तो जो रेखता लेखन शैली होती है उसमें फारसी अरबी और देवनागरी लिपि को मिक्स करके बनाया जाता है मान लो आप कोई कविता लिख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि कोई कविता है उस कविता को हम दो लैंग्वेज को मिक्स करके लिखते हैं जैसे फारसी और अरबी की पहली दो लाइन हमने लिख दी और थर्ड लाइन जो है वो हमने देवनागरी लिपि की लिख दी तो उस मिक्स लैंग्वेज को हम कहते हैं रेखता लेखन शैली इज इट क्लियर तो यहाँ पर स्टेटमेंट यही कहती है कि रेखता लेखन की एक शैली है जिसमें हिंदी और फारसी दोनों को एक साथ मिक्स करके बनाया जाता है तो ये स्टेटमेंट ठीक है भक्ति संतों ने नागरी लिपि में रेखता को विकसित किया था यस ये स्टेटमेंट भी ठीक है सूफी फारसी लिपि में रेखता लिखते थे तो ये स्टेटमेंट भी सही है और 18वीं शताब्दी में पूर्व संगीत की शब्दावलियाँ भी रेखता से संबंधित थी ये भी ठीक है और रेखता भी मुगलों के संरक्षण में विकसित हुई थी यस बिल्कुल सही है क्योंकि रेखता जब मुग़लों का समय काल था अठारहवीं शताब्दी के आसपास तो रेखता उसी समय प्रचलन में थी तो उसी समय के दौरान ये विकसित भी हुई थी तो ई स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है तो सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन तीन ए बी सी और डी ई Right. आगे बढ़ते हैं नीचे दो कथन दिए गए हैं एक को अभी कथन के रूप में लिखा है और दूसरा उसका रीजन आर कारण के रूप में है जहां पर अभी कथन देखते हैं कि दक्षिण भारत में मलिक कफूर की सफलता ने इस क्षेत्र में इस्लामी राजनीति की शुरुआत की ठीक है क्योंकि दक्षिण भारत में जब मलिक कफूर ने आक्रमण किया था उसने क्या किया था तेरह के आसपास जब अलाउद्दीन खिलजी का समय काल था उस समय उन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था बैक टू बैक आक्रमण किए थे पहला आक्रमण उन्होंने किया था यादवों के ऊपर 1308 सौ ईस्वी में ठीक है उन्होंने यादवों को हराया था उसके बाद काकतीय वंश के जो शासक थे 1310 सौ ईस्वी में उनको हराया था फिर होसल डेंसिटी के जो शासक थे उनको 1311 सौ ईस्वी में उन्होंने पराजित किया और उसके बाद पांडे शासक जो थे उनको भी तेरह ईस्वी में पराजित किया था ठीक है तो बैक टू बैक उन्होंने जब दक्षिण भारत में सफलता हासिल की तो इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ पर इस्लामी राजनीति की शुरुआत होती है तो स्टेटमेंट ए यहाँ पर जो अभी कथन है वो सही है आगे कारण क्या कहता है कि दक्षिण भारत में सूफीवाद का चलन स्थानीय आबादी के इस्लाम धर्म अपनाने का एक प्रमुख कारण बन गया था देखिए दक्षिण भारत में सूफीवाद का चलन तो था इस्लाम धर्म अपनाने का भी एक प्रमुख कारण बन गया था ये स्टेटमेंट भी सही है लेकिन कारण इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है ठीक है तो क्योंकि वहाँ पर जो साउथ में मलिक कफूर का दबदबा बना था वो उसके आक्रमण की वजह से बना था ठीक है तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन दो ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है जू जी सी ने इस बार इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको जरूर कहना चाहूँगा कि मैं इस क्वेश्चन पेपर को डिफ़िकल्ट तो नहीं मानता हूँ देखिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उन बच्चों के लिए होते हैं जिन्होंने अपनी तैयारी अच्छे से नहीं की होती है कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता है अगर यही क्वेश्चन मान लो जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान होगा जिस बच्चे ने इसको पढ़ा ही नहीं है उसके लिए तो वो डिफ़िकल्ट होगा ही इज इट क्लियर तो ये दिमाग पे बना के चलना कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है क्वेश्चन पता नहीं जो जी कहाँ से पूछता है कई बार मैं बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे यही कंप्लेंट सुनने को मिलती है कि सर क्वेश्चन जो जी पता नहीं कहाँ से बनाता है तो क्वेश्चन जो जी कहाँ से बनाएगा वो केवल आपकी बुक्स में से ही बनाएगा बस ध्यान ये रखना है कि पढ़ते समय हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना है जहाँ से जो का प्रस्पेक्टिव है जहाँ जो फोकस कर रहा है उन एंगल्स को देखना होता है उन पॉइंट्स को नोट करना होता है जहाँ से जू जी क्वेश्चन बना सकता है देखिए आप जब पढ़ रहे होते हैं ना तो पैराग्राफ कोई भी पढ़ रहे होते हैं जब आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहे होते हैं तो उस समय पढ़ते समय ये सोचा कीजिए दिमाग में बिठा करके कि अगर हम यू की जगह पर होते तो हम इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन खुद फ्रेम कर सकते थे वैसे क्वेश्चंस को खुद से फ्रेम करके देखा करो तभी आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ठीक है दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित ऐतिहासिक मनसवियों को सही अनुक्रम में हमने लगाना है दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के दौरान जो मनसबियाँ लिखी गई थी मनसवी क्या होता है कि एक प्रकार की कविता ही होती है जिसकी एक लाइन जहाँ पर ख़त्म होती है ठीक वैसे ही शब्द से दूसरी लाइन ख़त्म होती है ठीक है उसको मनसबियाँ कहते हैं और यहाँ पर जो पांच मनसबियाँ हैं ये सारी की सारी अमीर खुसरो की रचनाएँ हैं ठीक है ये याद रखना देवला रानी खिजर खान किरान उसादेन तुगलिक नामा मफताहुल्फहू नुह सिफिहर ये सारी की सारी किसकी रचना है अमीर खुसरो की ठीक है अब यहाँ पर इनका समयकाल हमने देखना है कि कौन सी कब लिखी गई थी कौन सी कब लिखी गई थी क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से आना है आपको मुझे लगता है कि इसको आपने यदि पढ़ा है तभी आप अच्छे से कर पाएंगे ठीक है जो देवल रानी खिजर खान थी ये करण देव सैकंड की बेटी थी जो गुजरात के राजा हुआ करते थे उनके ऊपर ये उन्होंने मनसबी बनाई थी किसने अमीर खुसरो ने कब बनाई थी बारह सौ पचानवे ईस्वी को ठीक है याद रखना इसका समयकाल ज़रूर याद रखना और अमीर खुसरो का समयकाल कब था बारह से तेरह सौ तक था याद रखना ये भी कई बार इनका क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है ठीक है ये अमीर खुसरो का समयकाल था बारह से लेकर तेरह सौ पच्चीस तक ठीक और किरासन सादेन ये अमीर खुसरो की रचना है ये लिखी गई थी बारह सौ ईस्वी में ट्वेल्व एटी नाइन में और तुगलक नामा तुगलक नामा जो मनसबी लिखी थी ये लिखी थी 1320 सौ ईस्वी को और अमीर खुसरो और गयासुद्दीन के बारे में इसमें जानकारी आपको मिलेगी और मिफ्ताहुल फतहू इसकी रचना की थी बारह सौ इक्यानवे ईस्वी में अमीर खुसरो ने ही इसकी रचना की थी बारह सौ इक्यानवे ईस्वी में ठीक है नूह सिपिहोर ये बहुत इंपॉर्टेंट मनसबी है इसको तेरह सौ पाँच ईस्वी में लिखा था अमीर खुसरो ने और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में जानकारी आपको नूर सिपहर से मिलती है तो यहाँ पर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखो तो आंसर क्या होना चाहिए बी डी ए ई सी तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन तीन ठीक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है सही स्टेटमेंट देखनी है जब भी सही आ जाए इसको अंडरलाइन कर लो ताकि गलती कम हो इतिहास समाज के कार्यरत मनुष्यों से संबंधित है हिस्टोरियोग्राफी से ये क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है जो हमारा सेक्शन टेन है ना सेक्शन टेन इतिहास का सिलेबस का उसमें से ये क्वेश्चन आते हैं तो जब आप सेक्शन टेन को पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आठ से दस क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली आते हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं आपने देखना कि आगे भी आपको इसी वीडियो में पाँच छः क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर स्टेटमेंट देखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है इतिहास समाज के कार्यरत मनुष्यों से संबंधित होता है यस yes, ये ठीक है क्योंकि इतिहास जो होता है जो समाज में जो मनुष्य होते हैं उनकी ऑलराउंड घूमता है तो ये स्टेटमेंट सही है इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित है यस yes, बिल्कुल इतिहास समय के साथ साथ परिवर्तन के साथ संबंधित है बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि इतिहास अपने आप को रिपीट करता है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतिहास अपने आप को कभी भी रिपीट नहीं करता है क्योंकि जब भी वह रिपीट करेगा कुछ ना कुछ जियोग्राफिकल चेंजेस या फिर कुछ ना कुछ इवेंट में कुछ ना कुछ डेट्स में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चेंजेस होती है इसलिए इतिहास अपने आप को कभी भी रिपीट नहीं करता है तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित नहीं है तो यदि बी स्टेटमेंट यहाँ सही है तो सी गलत हो ही जाएगी इतिहास ठोस और विशिष्ट से संबंधित है यस ये स्टेटमेंट भी ठीक है और इतिहास समाज के कार्यरत मनुष्यों से संबंधित नहीं है तो यदि पहली स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो ही जाएगी ठीक है केवल यहाँ पर तीन स्टेटमेंट ठीक हैं ए बी और डी ए बी और डी है यहाँ पर ऑप्शन एक में तो एक इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक क्वेश्चन आसान था थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से आप कर सकते हैं तो प्रैक्टिस भी कीजिए आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए जब भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा काम होकर के क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर उसको आंसर लगाने से पहले एक बार फिर से सोचिए जब हम एक बार आंसर लगा देते हैं फिर हम उसी के ऊपर रलाई करके चलते हैं एक बार ज़रूर आप थोड़ा सा ना एक बार जब आप उसको फाइनल करने लगते हैं तो एक बार फिर से सोच लिया कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा कन्फर्म हो जाए ठीक है तो ये पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है चलिए ये क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को भारत दौरे के कालक्रम के अनुसार हमने लगाना है कि कौन से फ़ॉरनर ट्रैवलर्स भारत में कब कब आए थे मैंने पहले ही आपको कहा है हर एक राइटर्स के बारे में हर एक ट्रैवलर के बारे में जब वह किसी भी शासक काल के समय के दौरान वहाँ पर विजिट करते हैं तो वहाँ आकर वह अपना व्यू पॉइंट जरूर रखते हैं अपनी स्टेटमेंट ज़रूर देते हैं उस शासक के बारे में ज़रूर लिखते हैं और उनसे संबंधित वो कोई ना कोई बुक ज़रूर उन्होंने लिखी होती है जहाँ पर देखिए मार्को पोलो द्वानते बारबोस निक्की तिन पीटर मुंडी फ्रेंकोइस बर्नियर यहाँ देखिए बर्नियर बर्नियर के बारे में तो हर क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे इनकी बुक्स हो या फिर इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में जो जिसी ने क्वेश्चन बनाया है आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके देख लो वहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इनके बारे में मिल ही जाएगा तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इनके बारे में आप जरूर एक पेज लगा लीजिए जरूर लिखिए प्रैक्टिस ऐसे ही कीजिए देखिए मेरा आपको क्वेश्चन पेपर करवाने का मकसद यही होता है कि आपको मैं वो सेक्शन वो चीज़ें आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करके बता सकूं ताकि आप उनको थोड़ा सा जब पढ़ रहे होते हैं ध्यान में रखें लगभग किसी भी यूट्यूब के चैनल में आपको हम हमारे जैसे क्वेश्चन पेपर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद उसकी रिसर्च करने के बाद उसको आपके सामने लेकर आते हैं ठीक है अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप वीडियो का टाइम नोट करके और क्वेश्चन नंबर नोट करके नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत प्रीशियस होते हैं और हम उसका रिप्लाई भी जरूर करते हैं ठीक है यहाँ पर मार्को पोलो का समयकाल देखते हैं कब वह भारत आए थे ये आए थे बारह सौ ईस्वी से लेकर तिरानवे ईस्वी के बीच में ठीक है एक साल लगभग रहे थे और दुआंते बारबोस जो थे ये एक यूरोपियन थे और सोलहवीं सदी के आसपास ये सोलहवीं सदी में आए थे सोलहवीं सदी के भीतर ये आए थे और इनका समय था 1480 से लेकर 1521 सौ ईस्वी तक ठीक है याद रखना इनका समयकाल ज़रूर आप याद रखना बारबोस का निकितन निकितन जो थे ये रशियन थे ये 1466 सौ ईस्वी से लेकर के चौदह सौ बहत्तर ईस्वी तक भारत में रहे थे ठीक है और मोहम्मद शाह थर्ड के समय में ये भारत में आए थे क्योंकि वहाँ पर उस समय बहमनी राज्य का शासनकाल चल रहा था मोहम्मद शाह थर्ड के समयकाल के दौरान और पीटर मुंडी का पंद्रह से लेकर सोलह ईस्वी सो तक इनका समयकाल था ये ब्रिटिशर थे और राइटर भी थे ठीक है फ्रेंकोइस बर्नियर ये लगभग 12 साल भारत में रहे थे ठीक है सबसे लंबा समय इन्होंने भारत में स्पेंड किया था सोलह ईस्वी सो से लेकर के सोलह ईस्वी सो तक लगभग 12 साल तक भारत में ये रहे हैं और इन्होंने अपने समयकाल के दौरान बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं आप उन बुक्स को जरूर नोट कीजिए और उनके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ठीक है यहाँ पर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लेते हैं अब हम क्योंकि अब हमें समयकाल का तो पता चल गया ठीक है लगाइए फिर सबसे पहले आएंगे ए सी बी डी और ई तो ये है ऑप्शन चार में जो बारह बलूतेदार कारीगर थे उनके बारे में पता चलता है कि वो महाराष्ट्र एरिया में एग्जिस्ट करते थे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रामीण समुदाय के बारे में अपने विचार रखने हैं यहाँ पर देखना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है बलूतेदार ग्रामीण कारीगरों और नौकरों की बारह श्रेणियाँ हुआ करती थी हाँ ये ठीक है और बलूतेदार आगे चलकर चार श्रेणियों में बट गए थे ये गलत है हिंदू मंदिर की देखभाल करने वाले बलूतेदार भाग नहीं थे नहीं नहीं ये ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि जो हिंदू मंदिरों की देखभाल करने वाले हुआ करते थे वो भी बलूतेदार ही हुआ करते थे ठीक है गांव में स्थाई निवास के अधिकार वाले बलूतेदार वतन बलूतेदार कहलाते थे हाँ ये स्टेटमेंट सही है और बलूतेदार की निश्चित श्रेणियों के ग्रामीण समुदाय द्वारा कृषि हेतु राजस्व मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी ये स्टेटमेंट भी सही है तो तीन स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है ए डी और ई ए डी और ई e यहाँ पर है ऑप्शन एक में तो सही उत्तर था इसका एक ठीक है आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो ये पढ़ के जरूर जाइए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये आगे बढ़ते हैं ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है कैबिनेट मिशन प्लान देखिए जितने भी एक्ट आए हैं चाहे वो ब्रिटिश काल के दौरान आए हैं चाहे वो जब मुगल प्रशासन का अंत हो रहा था उस समय काल के का दौरान आए हैं जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट हैं उनसे जो जी ने हर बार क्वेश्चन बनाए हैं उनको शुरू से लेकर एंड तक एक पेज पर लिखिए ठीक है उनसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं मैं सब बार बार कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आए हैं आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कैबिनेट मिशन वैवल प्लान एटली की उद्घोषणा माउंट बैटन प्लान क्रिप्स प्रस्ताव सारे इंपॉर्टेंट हैं एक एक को आप पकड़िए लिखिए पूरी डिटेल में उसको समझिए ठीक है जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया था उस समय 1946 का समय का चल रहा था जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था और कैबिनेट मिशन लाने का मकसद क्या था क्योंकि ये ब्रिटिश पावर को ट्रांसफ़र करना चाहते थे उस समय जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे ठीक है और जो कैबिनेट मिशन है इसमें से क्वेश्चन जो जिसी ने पहले भी बनाया यहाँ पर तीन ब्रिटिशर थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं लॉर्ड पैथ्रिक लॉरेंस थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे इन तीनों के नाम याद रखना मैं रिपीट कर देता हूँ लॉर्ड पैथ्रिक लॉरेंस सर स्टीपर्ड क्रिप्स और ए वी एगजेंडर ठीक है ये तीन नाम आप याद रखना जो कैबिनेट मिशन प्लान का ये हिस्सा थे ये तीनों ब्रिटिशर थे बेबल प्लान आई थी 1945 में ठीक है और एटली की उद्घोषणा की गई थी 20 फरवरी 1947 को ये एटली कौन थे ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ठीक है इन्होंने कहा था कि जून 1948 तक हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे लेकिन ये पहले ही चले गए पहले ही भगा दिया था इनको यहाँ से और माउंट बैटन प्लान माउंट बैटन प्लान तीन जून 1947 को आई थी याद रखना तीन जून उन्नीस को और क्रिप्स प्रस्ताव ये 30 मार्च उन्नीस को पारित हुआ था तो यहाँ पर इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखिए सबसे तो पहले आएगा ई e, ठीक है और ई e यहाँ पर केवल ऑप्शन दो में ही है ठीक है तो दो यहाँ पर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा नीचे दो कथन दिए गए हैं तो कथनों को ध्यान से पढ़िएगा कथन ये कहता है कि अकबर ने पंद्रह में मजहर की घोषणा की थी बिल्कुल सही है ये तो ठीक है कि अकबर ने पंद्रह में मजहर की घोषणा की थी और कथन दो कहता है कि राजपूतों के साथ व्यवहारिक संबंधों ने अकबर के धार्मिक नज़रिए को प्रभावित किया था हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन एक ठीक है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अकबर का समय काल था पंद्रह सौ ईस्वी से लेकर के सोलह सौ ईस्वी तक अकबर की प्रशासनिक कार्रवाईों के बारे में पढ़ के जाना उससे क्वेश्चन ज्यूजी बनाता है ठीक है तो किसके नेतृत्व में लोक सेवा आयोग गठित किया गया था जिसने परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की अनुशंसा की थी लॉर्ड विलियम डिब्बी चार्ल्स एचसीएन हार्बर्ड रिजले या फिर वैलेंटाइन शिरोल देखिए जो लोक सेवा आयोग है इसका गठन हुआ था फर्स्ट अक्टूबर उन्नीस को और इसको बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था उसके बाद जो 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उस एक्ट के तहत इसके अंदर यूनियन शब्द ऐड कर दिया गया था उसको लोक सेवा से संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया था नाइन्टीन वाले एक्ट के अंतर्गत और इसको बाद में लागू कब किया गया था 1950 में इसको पूरी तरह से लागू भी कर दिया गया था याद रखिएगा और जो परीक्षा की अधिकतम आयु को बढ़ाने की जो अनुशंसा की गई थी वो की गई थी चार्ल्स एचियन के द्वारा जो उस समय इसके हेड थे तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन दो निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की पुस्तकें प्राचीन भारतीय राजाओं की जीवनी ऐतिहासिक वृत्तांत के रूप में जानी जाती है एक तो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि उन्होंने ये पूछा है कि ये पहली तो बात ये है कि ये संस्कृत में लिखी हुई थी ठीक है ये ध्यान रखना क्वेश्चन को पढ़ते समय ये चीज़ ध्यान रखना कि मान लो इसमें से तीन ऐसी बायोग्राफी मिल जाए आपको जो लिखी बायोग्राफी हो किसी के द्वारा किसी की जीवनी लिखी गई हो लेकिन वो उनमें से एक जो है वो संस्कृत में ना हो ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन की एसेंस को समझना है क्वेश्चन को पढ़ते समय ये चीज़ ध्यान जरूर रखनी है कि जो भी बायोग्राफी यहाँ पर हम देखेंगे वो संस्कृत में ही लिखी हुई होनी चाहिए इज इट क्लियर यहाँ पर देखिए जो स्वप्न वास दत्ता है ये भाष की रचना है ये संस्कृत का एक नाटक है याद रखना ये भास की रचना है और हर्षचरित ये एक बायोग्राफी है सेवंथ सेंचुरी एडी में लिखी गई थी जो बान भट्ट के द्वारा लिखी गई थी ठीक है ये एक बायोग्राफी है ठीक और मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्ता ने लिखी थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताती है तो ये भी एक बायोग्राफी ही है ये दोनों बुक्स जो हैं ये संस्कृत में ही लिखी गई थी ठीक है और विक्रमो ये कालिदास की रचना है ठीक है और ये एक जीवनी नहीं है और शिव संग्राम हाँ क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शिव संग्राम के राइटर कौन है क्वेश्चन नंबर दस नोट करिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि शिव संग्राम के राइटर कौन है मैं आपको यह बता देता हूं कि ये एक बायोग्राफी नहीं है ठीक है यहां पर केवल दो ही बुक्स हैं जो बायोग्राफी हैं बी और सी बी और सी यहां पर ऑप्शन चार में तो चार इसका सही उत्तर हो जाएगा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि शिव संग्राम के राइटर कौन है जल्दी कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए इसके बारे में मैं देखना चाहता हूँ जेनुअनली देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चा इसका सही उत्तर कर पाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो जी सी ने एक क्वेश्चन काफी बार रिपीट करके पूछा है ठीक है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से चित्रित भांड में एक वृक्ष पर मछली और नीचे लोमड़ी जैसे पशु को चित्रित किया गया है जो पंचतंत्र में वर्णित चतुर लोमड़ी की कथा को प्रतिबंधित करता है आसान क्वेश्चन था किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था ठीक है जो चलाक लोमड़ी की कथा के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है जिसके साइंस हमें मिलते हैं वो मिलते हैं लोथल गुजरात से ठीक है और 54 में लोथल की खोज की थी एस आर राव ने याद रखिएगा और धोलावीरा की खोज किसने की थी ये की थी जे पी जोशी ने याद रखिए इनकी जो खोज करता है उनके बारे में जरूर याद रखना 1968 में ये खोज हुई थी और राखी घड़ी की खोज हुई थी ये राखी घड़ी इंपॉर्टेंट है ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित जगह है ये नाइनटीन में इसकी खोज हुई थी और इसकी खोज की थी अमरेंद्र नाथ ने याद रखना अमरिंदर नाथ ने इसकी खोज की थी क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि देशवाल की खोज किसने की थी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए कमेंट करिएगा इसके बारे में कि देशवाल की खोज किसने की थी तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता चल गया लोथल लोथल से हमें चलाक लोमड़ी के बारे में पता चलता है तो आंसर इज़ फोर देखिए सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है हमने सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन कब हुआ था वेरियस्ट के उत्तराधिकारी जॉन कार्टियर बने थे दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना नंद कुमार को फांसी कब हुई थी तो ये सारे के सारे इवेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसको पढ़ के जाइएगा ठीक है जो सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन हुआ था ये हुआ था सेवनटीन सिक्सटी फाइव में ठीक सेवनटीन सिक्सटी फाइव में उस समय जो गवर्नर थे हमारे लॉर्ड क्लाइव थे सतारह सौ साठ से लेकर सतारह सौ बहत्तर तक उनका काल था लॉर्ड क्लाइव का ठीक है सतारह सौ बहत्तर ईस्वी तक याद रखिएगा इनका काल आपको पता होना चाहिए और वेरियस्ट के उत्तराधिकारी जॉन कार्टियर बने थे देखिए जो जॉन कार्टियर थे ये ब्रिटिश कलोनियल में बंगाल के गवर्नर थे ये ठीक है 1769 से लेकर 1772 तक इनका समय काल था 1769 से लेकर 1772 तक इनका समय काल था और 1769 में ये पहली बार गवर्नर बनते हैं बंगाल के तो वेरिएस्ट उत्तराधिकारी बनते हैं ऑप्शन बी का हम लाएंगे एक के साथ और दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना होती है सबसे पहले कोलकाता में होती है दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना ठीक है याद रखना और ये होती है सत्रह ईस्वी में और नंद कुमार को फांसी होती है सत्रह ईस्वी में ये नंद कुमार कौन थे देखिए जो नंद कुमार थे ये वॉन हेस्टिंग के काले कारनामों के उजागर करने वाले एक शख्स थे जिनको बाद में इन्होंने अदालत में मुकदमा चला करके उसको फांसी दे दी गई थी तो कोर्ट में इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं ए का तीन बी का एक सी का चार डी का दो तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन चार निम्नलिखित में से किसने गैर मुस्लिम राजस्व प्रदाताओं के मुखिया के रूप में चौधरी ज्योतरी का प्रयोग सबसे पहले किया था हु मंग द फॉलिंग अपॉइंटेड द चौधरी एज हेड ऑफ द नॉन मुस्लिम रेवेन्यू प्रोवाइडर्स ठीक है तो किसने इसका प्रयोग किया था सबसे पहले इसका प्रयोग करने वाले थे इबन बतूता ये अरबी यात्री थे इनका समयकाल आपने याद रखना 1304 सौ ईस्वी से लेकर 1377 सौ ईस्वी तक इनका समयकाल था और इन्होंने इसका वृत्तांत आपको उनकी जो बुक है ना रहेला उसमें मिलेगा ठीक है उसमें उन्होंने जो राजस्व प्राप्त करने वाले थे उनके मुखिया के रूप में उनको चौधरी और जोतरी कहा जाता था उसका वर्णन किया है तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि शिफ्ट वन में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने तो यहाँ शिफ्ट टू में भी उनसे संबंधित एक स्टेटमेंट है आपके सामने निम्नलिखित को कालक्रम में हमने लगाना है अशोक का राज्यकाल कब था यानी कि अशोक का जो काल था वो कब था वो था दो सौ से लेकर दो सौ तक ठीक है टू सिक्सटी से टू थर्टी तक अशोक का समयकाल था ठीक है और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पाधारोहण था ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य का असेशन हुआ था वो कब उसको गद्दी मिली थी ये याद रखना जो मिली थी 350 बीसी से लेकर के दो बीसी तक ठीक और मकदूनिया पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था ये हुआ था 327 बीसी में मौर्य साम्राज्य का अंत कब होता है ये होता है एक सौ में और मगध के शासकों द्वारा सत्ता का सिदृढ़ीकरण होता है ये होता है छः सौ बयासी बी सी में ठीक है छः सौ बयासी बी सी में तो सबसे पहले आएगा ई e, क्योंकि ये सबसे पहले होता है तो ई e वाली यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है ठीक है यहाँ पर दो तो होगा नहीं तो मिला के देखिए ई e आएगा पहले फिर सी बी ए और डी तो ये है ऑप्शन एक में ठीक है एक इसका उत्तर हो जाएगा सही निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सही कथन को हमने देखना है कनिष्क का सत्तारोहण 58 एट ईस्वी में हुआ था यही गलत है पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है जो कनिष्क को जब राजगद्दी मिली थी उस समय काल था 78 एट ना कि 58 एट ठीक है ये तो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है मैकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण हुआ था 327 से 325 सौ तक मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ना आपको जो जिसी देखो क्या करता है कि पिछले क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन देखो उन्होंने वहाँ पर स्टेटमेंट पूछी थी यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट बना दी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया लेकिन क्वेश्चन बना दिया बस पढ़ते समय यही चीज़ ध्यान रखनी है ठीक है तो आगे स्टेटमेंट देखते हैं कि सातवाहनों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे पहले आरंभिक शिलालेख एक से लेकर दो ईस्वी के बीच में मिलेगा ठीक है तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सही है ठीक ये आपको 100 ईस्वी से लेकर 200 सौ ईस्वी के बीच में मिलेगा ठीक और मौर्य शासन का अंत एक ईस्वी में हुआ था मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था ना आपको आ गया ना फिर वही स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं तो आप पिछला क्वेश्चन देख लो पीछे एक बार रिवर्स करके वीडियो को तो आगे देखते हैं कि मगध क्षेत्र में धान रोपाई का आरंभ 400 सौ ईस्वी में हुआ था हाँ ये गलत है क्योंकि जो धान रोपाई का आरंभ मगध क्षेत्र में हुआ था वो 400 सौ ईस्वी में ना होकर के चार सौ बीसवीं में हो चुका था ठीक है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी ठीक आपने यदि एन को अच्छे से पढ़ा है ना तो आपका ये स्टेटमेंट आपको एन में बिल्कुल क्लियर मिल जाएगी कि मगध क्षेत्र में धान रोपाई का आरंभ फोर हंड्रेड में हुआ था ठीक तो यहाँ पर केवल तीन स्टेटमेंट ठीक हैं बी सी और डी तो बी सी और डी है यहाँ पर दो में ठीक है तो टू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अप्रैल 1947 में किसने भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर पैथरिक लॉरेंस का स्थान ग्रहण किया था जो पैथरिक लॉरेंस थे उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उसको किसने रिप्लेस किया था ऑप्शन हैं आपके सामने सर सीरियल रेडक्लिफ लॉर्ड लिस्टोवेल लॉर्ड एचनलेक या फिर लॉर्ड इसमे नाम देखो इनके कितने अच्छे थे ठीक है तो जल्दी से बताइए कि किसने इसको रिप्लेस किया था वीडियो को पॉज कर लीजिए सोचिए कौन थे उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखिए जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोजिशन है ये शुरू की गई थी अठारह ईस्वी में जब अठारह ईस्वी में जो क्रांति होती है विद्रोह हो जाता है ना उस विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम है वो पूरी तरह से क्राउन के अधीन हो जाता है क्राउन अपने हाथ में ले लेता है जो ब्रिटिश क्राउन होते हैं वो अपने हाथ में ले लेते हैं और भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो सबसे पहले भारत में जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे वो बने थे लॉर्ड स्टैनले याद रखना उनका नाम लॉर्ड स्टैनले तो पहले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अब यहाँ पर उन्नीस में जैसे भारत देश आज़ाद होता है तो 15 अगस्त को आज़ाद होता है लेकिन 14 अगस्त को 14 अगस्त 1947 को ये वाली जो पोजीशन है ना सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट की ये ख़त्म कर दी जाती है ठीक है और यहाँ पर पैथ्रिक लॉरेंस को रिप्लेस कौन करता है वो करते हैं लॉर्ड लिस्टोवेल ठीक है वो करते हैं लॉर्ड लिस्टोवेल तो यहाँ पर उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन दो ठीक भारत में ददनी पद्धति का प्रचलन मध्यकाल के दौरान बहुत तेज़ी से हुआ था आपने यहाँ बताना है कि किस कारण हुआ था ये चार स्टेटमेंट है आपके सामने देखिए जब ददनी प्रथा क्या था कि इसमें जो भी शिल्पकार होते थे जो कारीगर हुआ करते थे उनको पहले एडवांस में पेमेंट दे दी जाती थी ताकि वे अपने काम को और भी फास्ट कर सकें और जल्दी कंप्लीट कर सकें तो यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं कि देशी और विदेशी दोनों व्यापार में तेजी लाना यही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है जो मध्यकाल में ददनी पद्धति जब प्रचलित हुई थी क्योंकि उसका जो कारण था देशी और विदेशी व्यापारों में तेजी लाना था तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन देखिए यदि आप जू में पहली बार बैठने वाले हैं या फिर आपने यू पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो आपको यहाँ तक आइडिया हो गया होगा वैसे क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट तो है नहीं मुझे नहीं लगते है कि ये आप कर नहीं सकते अगर आप थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ रहे होते हैं तो क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए ये अठारहवा क्वेश्चन कितना अच्छा है दो सूचियाँ हैं दोनों को मिलाना है एक सूची में कवि हैं दूसरी सूची में वो कौन कौन से समयकाल के दौरान कौन से शासक के अधीन व वहाँ पर रहा करते थे तो लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मिलाइए आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए मिला के देखिए क्या आपका सही होता है ठीक है जो भावभूती हैं यशोवर्मन के समयकाल के दौरान रहा करते थे और जो भारवी थे ये सिंह विष्णु के समय काल के दौरान रहा करते थे और जो राजशेखर थे ये महीपाल के समयकाल के दौरान रहा करते थे और रवि कीर्ति प्लोकेशन द्वितीय के समय काल में उसके दरबार में हुआ करते थे तो आंसर मिला के देखिए आंसर होगा यहाँ पर ए का चार बी का एक सी का दो डी का तीन तो फोर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है और जो भावभूति थे ये आठवीं सदी में ये एट्थ सेंचुरी में भावभूति थे और एक बहुत ही महान कवि थे संस्कृत में काफ़ी अच्छी पकड़ थी इनकी संस्कृत में बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी आप इनकी बुक्स जरूर याद रखना जो भावभूति की बुक्स हैं वो मैं आपको एक दो बता देता हूँ यहाँ पर महावीर चरिता मालती माधव और उत्तर रामचरित इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और सिक्सथ सेंचुरी में संस्कृत के कवि रहे हैं ये वाले सिक्स सेंचुरी में संस्कृत के कवि रहे हैं भारवीं ठीक है यदि इसकी क्रोनोलॉजी आ जाए समझ लो यहाँ पर भारवी पहले आएगा क्योंकि ये सिक्स सेंचुरी में था तो एट्थ सेंचुरी में जो थे भावभूती थे इनकी क्रोनोलॉजी भी जो जिस पूछता है याद रखना ठीक है और एक इंपॉर्टेंट आपने याद रखना कि जो बारवी की एक ही इंपॉर्टेंट आपको बुक मिलेगी वो मिलेगी जो महाभारत आपने देखा होगा महाभारत में अर्जुन और भगवान शिव का आपस में युद्ध होता है जब भगवान शिव धरती पर आते हैं ना तो वो किरात के रूप में आते हैं तो भारवी ने उसके ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किरात अर्जुनियम किरात अर्जुनियम और अर्जुन और किरात के बीच में जो युद्ध की कथा है वो भारवी के द्वारा रचित की गई थी और जो राजशेखर हैं राजशेखर का समयकार था नौ से लेकर नौ सतत्तर के बीच में ठीक है याद रखना और राजशेखर जो थे ये गुर्जर वंशी जो, जो महेंद्रपाल वन थे और उनके जो बेटे थे महीपाल उसके ये गुरु और मंत्री भी थे जैसे मैंने अभी आपको बताया ठीक है महीपाल के समयकाल के दौरान ये वहाँ पर रहा करते थे और राजशेखर की काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएँ हैं भाई बहुत ज़रूर याद रखना उसकी एक बुक है काव्य मीमांसा बहुत प्रसिद्ध रचना है जो जिसने उसके बारे में कई बार पूछा है और बाल रामायण है बाल भारत है कपूर मंजरी है एक इम्पॉर्टेंट बुक राजशेखर की और है उसका नाम है वृद्धशालभंजिका वृद्धशाल भंजिका भी राजशेखर की ही रचना है और रवि कीर्ति के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय जो चालुक्य शासक थे उसके समय काल के दौरान उसके दरबार में रहा करते थे और ये संस्कृत में इन्होंने एक अभिलेख की रचना की थी ए होल अभिलेख उसके रचनाकार कौन है रवि कीर्ति तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन चार यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो ठीक है शेयर तो आप कर ही देते हो करते रहा करो आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पर मुझे बहुत खुशी होती है आपके मैसेज इतने अच्छे आते हैं इतने अच्छे स्टूडेंट हैं ना सच में आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगता है आपको किसी प्रकार की गाइडेंस की आवश्यकता है तो प्लीज़ बिना झिझक आप मुझे मैसेज कीजिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक निंगम एलेक्जेंडर के निंगम को हड़प्पाई मोहर कब मिली थी तो हड़प्पा सभ्यता से ये दूसरा क्वेश्चन है ठीक है तो जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन जो जी जो बनाता है उसमें जा तो उनकी एक्सर्वेशन कब हुई थी और किसने की थी जो जगहें हैं मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया ना लोथल या फिर राखी घड़ी इन जगहों को किस किस ने कब कब खोजा था कौन से सन में खोजा था वहाँ से मिलने वाली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक जो सील्स वगैरह हैं ठीक है जो भी वहाँ पर साइंस मिले हैं उनके बारे में जो जिसी ने क्वेश्चन बहुत बार बनाए हैं तो याद रखना यहाँ पर अलेक्जेंडर जो थे जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक माना जाता है जिसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इनको फाउंडर माना जाता है इन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी तो इनका समय काल था अठारह से लेकर के अठारह सौ ईस्वी तक ठीक है अलेक्जेंडर कनिंगम का समयकाल था और इनको जब पहली बार इन्होंने जब विजिट किया था हड़प्पा एरिया पे तो अठारह में इन्होंने वहाँ पर विजिट किया था तो वहाँ पर पहली बार इनको एक मोहर मिली थी तो बाद में इन्होंने इसके ऊपर एग्जाबिशन भी की थी एग्ज़ाबिशन जब इन्होंने की थी वो उसका समयकाल था अठा अठारह ईस्वी से लेकर अठारह के बीच में बाद में इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन दो मैं हमेशा कहता हूं कि यू क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बनाता है यहाँ पर देखिए निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले शुरू करके कालक्रम के अनुसार हमने लगाना है उच्चतम न्यायालय की स्थापना मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था कि सतारह सौ तिहत्तर ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है कहाँ पर होती है कलकत्ता में ठीक है तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो वारन हेस्टिंग के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स में जो प्रस्ताव पारित होता है यहाँ पर मैं आपको फिर बता देता हूँ के नंद कुमार को फांसी हाउस ऑफ कॉमन का प्रस्ताव ये आपस में लिंक करते हैं आप इसको जरूर पढ़ के जाना कि नंद कुमार को फांसी क्यों हुई थी क्योंकि उन्होंने वारन हेस्टिंग के बारे में उन्होंने वारन हेस्टिंग के काले कारनामों के बारे में सब कुछ उजागर किया था जिसके बाद में चलते हुए जब वारन हेस्टिंग दोबारा में दोबारा से आते हैं सत्ता में तो उसके बाद इसके ऊपर केस चलता है और बाद में नंद कुमार को फांसी हो जाती है लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि वारन हेस्टिंग के बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव लाया जाता है यहाँ से जो बरी हो जाते हैं ठीक है ये कब लाया जाता है ये लाया जाता है सत्रह और पचानवे के बीच में सत्रह और पचानवे के बीच में तो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में भी ये स्टेटमेंट पूछी गई थी ठीक है ये क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन जो ने बनाया है जो ये याद रखना जरूर ठीक है यहाँ पर यह चीज़ देखने वाली है कि किस प्रकार एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन के साथ लिंक बनता है पढ़ते समय ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी ठीक है तो आगे बात करते हैं सन्यासी और फकीर टोलियों का आक्रमण जी शुरू होता है सत्रह सौ बहत्तर ईस्वी में 1760 में ही शुरू हो जाता है लेकिन जो जोर जो पकड़ता है ये सत्रह में काफ़ी ज़्यादा रजिस्टेंस दिखाते हैं ये और लगभग ये 40 साल तक चलता रहता है और क्लाइव के बाद हैरी वेरलेस्ट का आगमन कब होता है ये होता है 1760 सौ ईस्वी में और बंगाल फेमाइन देखिए जो बंगाल में अकाल पड़ता है ठीक है वो दो बार पड़ता है एक बार पड़ता है, है सत्रह सौ में और दूसरी बार पड़ता है 1943 सौ ईस्वी में जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रही होती है ठीक है तो पहली बार जब फेमाइन आता है उस समय तो 30 मिलियन के आसपास लोग मारे जाते हैं याद रखना जब 1770 में ये अकाल पड़ता है तो इसकी यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखें तो आंसर क्या होना चाहिए देखिए सबसे पहले आएगा डी फिर ई सी ए और बी तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन चार ठीक है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए स्टेटमेंट ये कहती है कि इल्तुतमिश ने अपने मृत पुत्र के लिए सुल्तानगढ़ी बनवाया था ठीक है और ये नसरुद्दीन महमूद के लिए उन्होंने बारह सौ इकतीस में सुल्तानगढ़ी का किला बनवाया था ये तो स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है कुतुब मीनार की मूल योजना पाँच मंजिला थी नहीं नहीं ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि कुतुब मीनार जब मूल रूप में बनाया गया था उस समय इसकी जो मंजिलें थी वो पाँच मंजिला नहीं था बाद में इसको एक्सटेंड किया गया था तो स्टेटमेंट सी यहाँ पर कहती है कि खलजी शासन के अंतर्गत वर्गाकार मकबरा परिचलित हुआ था ये स्टेटमेंट भी गलत है अटाला मस्जिद जौनपुर के मेहराबदार किनारे तुगलक शैली से प्रभावित है हाँ ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है जो अटाला मस्जिद है ये तेरह ईस्वी में शुरू की गई थी तेरह सौ सतर ईस्वी में शुरू की गई थी शाह तुगलक ने इसको शुरू करवाया था और बाद में इसको जौनपुर का जो शासक था इब्राहिम शाह शर्की याद रखिएगा इब्राहिम शाह शर्की जो जौनपुर के जो शासक थे उन्होंने इसको 1408 सौ ईस्वी में पूरा किया था अटाला मस्जिद को तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये स्टेटमेंट कहती है कि सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तिरछी दीवारें एल्बरी शैली से प्रभावित दिखाई पड़ती हैं ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है ठीक है तो केवल दो स्टेटमेंट सही है ए और डी ए और डी यहाँ पर है ऑप्शन चार में ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं सिख गुरुओं से हर बार जू जी ने एक से दो क्वेश्चन बनाए हैं ठीक है इनको जरूर पढ़ के जाइएगा यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि श्री गुरु हर ने मेरी और पीरी की स्थापना निम्नलिखित में से क्यों की थी देखिए मेरी और पीरी दो तलवारें उन्होंने धारण की थी एक तलवार का मतलब था कि वो युद्ध के लिए अपने आप को तैयार रखते थे ठीक है और दूसरी तलवार का मतलब था कि वो जब युद्ध नहीं हो रहा होता है तो उस समय वह भक्ति भावना के साथ समाज में विचरण करते हैं तो ये दोनों मीरी पीरी की जो तलवारें उन्होंने धारण की थी ये एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वो सिखिज़्म के लिए उसका मेन पर्पस था कि सिख धर्म में संसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रतिमानों को शामिल करने के लिए तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन तीन स्टेटमेंट तीन यहाँ पर बिल्कुल सही है ठीक है तो आंसर इज द थ्री निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो ये किया था वल्लभाचार्य ने तो आंसर इज थ्री दक्षिण भारत में शिल्पकारों की बस्तियाँ और उनके संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है स्टेटमेंट ए कहती है कि कोरमंडल तट के साथ बसी शिल्पकारों की बस्तियाँ स्वायत्त थी और किसी भी तरह के नियंत्रण से मुक्त थी नहीं जो कोरमंडल तट के अंतर्गत शिल्पकारों की बस्तियाँ आती थी वो नियंत्रण के अधीन थी ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और शहरी केंद्रों ने शिल्पकारों के बीच के जाति सामंजस्य को तोड़ा था नहीं ये भी गलत है क्योंकि शहरी केंद्रों की वजह से शिल्पकारों के बीच में जो जाति सामंजस्य था वो टूटा नहीं था ठीक है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और तमिलनाडु में कमलान जाति के गठन में लोहार भढ़ाई तामरकार राजमिस्त्री जैसे पाँच अंत समुदाय विशेषज्ञ शामिल हुआ करते थे यस ये स्टेटमेंट तो सही है और डी स्टेटमेंट कहती है केंद्र में एकजुटता से शिल्पकारों को अपनी दुकान बंद करने और प्रवजन जैसे अधिकारियों के संरक्षण से मदद मिलती थी हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है कमलान और कैकोला जैसे जातियाँ मंदिरों के दानदाता भी थे हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है तो तीन स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं सी डी और ई सी डी और ई e है यहाँ पर ऑप्शन एक में इज इट क्लियर चलिए अठारह का वह भारतीय परिषद संशोधन जिसे इस नाम से भी जाना जाता था देखिए जो अठारह का जो इंडियन काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट था उसको लॉर्ड क्रॉस एक्ट से भी जाना जाता था ठीक है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन तीन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है हमने सही स्टेटमेंट देखनी है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं कि मंगल पांडे ने 29 मार्च अठारह को एक अंग्रेज सहायक एडजुडेंट की हत्या कर दी ये तो ठीक है और हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था यस ये भी ठीक है और अठारह में फकीर उद्दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि अगले उत्तराधिकारी राजकुमार को राजसी उपाधि को त्यागना होगा हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है और धार्मिक निर्योगिताएं अधिनियम अठारह में पारित किया गया था नहीं ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है ये जो ये गलत है क्योंकि जो धार्मिक निर्योगिताएं, जो डिसेबिलिटी एक्ट पारित किया गया था वो 1850 में पारित हुआ था ठीक है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी और जनरल हैविड मेरिट में कमांडेंट ऑफिसर रहे थे हाँ ये तो ठीक है जनरल हैविड जो थे जो मेरिट में कमांडिंग ऑफिसर थे तो चार स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं ए बी सी और ई e. तो आंसर होगा ऑप्शन तीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है फिर से हमने सही कथन देखना है स्टेटमेंट ए कहती है कि भाषाई प्रांत के लिए पहली मांग आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी लोगों ने उठाई थी हाँ ये तो सही है बिल्कुल ठीक है और भी स्टेटमेंट कहती है कि 16 अगस्त उन्नीस के दिन स्वामी सीताराम ने पृथक आंध्र प्रदेश की मांग के समर्थन में अमरण अनशन शुरू किया था हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि 16 अगस्त 1951 को सीता राम जो थे उन्होंने अलग आंध्र प्रदेश की मांग का समर्थन किया था और अनशन शुरू कर दिया था ये स्टेटमेंट तो ठीक है और छप्पन दिनों तक उपवास रखने के बाद पट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई थी यस yes, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि छप्पन दिनों तक जब वह वो पास में बैठे रहे और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है और राज्य पुनर्गठन आयोग उन्नीस में बनाया गया था तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ये उन्नीस त्रेपन में बनाया गया था ना कि अट्ठावन में तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है ठीक है बाद में इसकी जो फाइनल रिपोर्ट 1955 में पेश की गई थी ठीक है 1966 में पंजाब को पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को दोबारा से पुनर्गठित किया गया था हाँ ये तो ठीक है ठीक है नवंबर मंथ में ये काम किया गया था और ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है ए बी सी और ई e, चार स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन चार बारहवें तीर्थ अंक नेमीनाथ निम्लिक्स में से किसके साथ संबंधित हैं तो पाई में जो तीर्थंकर है वो उनका संबंध माना जाता है वो कृष्ण के साथ उनका संबंध है तो आंसर होगा पर ऑप्शन किस नेता ने, दादा साहब फाल्के को विदेशी तथा घरेलू बाजार निर्यात हेतु अमेरिकी निर्माताओं के सहयोग से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी की शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया था ठीक है किसने दिया था तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने ठीक है तो बाल गंगाधर तिलक की जो बुक्स हैं उनको जरूर पढ़ के जाइए बहुत इम्पोर्टेंट है मांडले जेल में थे ना जब वह उन्होंने भगवत गीता की व्याख्या की थी ठीक है और उनकी दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एक है द ओरियन द ओरियन ठीक है और दूसरी बुक जो बाहर बाहर पूछी जाती है वो है आर्कटिक होम ऑफ वेदास काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है बाल गंगाधर तिलक की द आर्कटिक होम ऑफ वेदास तो याद रखिएगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन दो मुग़लों के अधीन ग्राम व्यवस्था के राजस्व अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमने स्टेटमेंट देखनी है यहाँ पर जो मुगल प्रशासन था उसके दौरान जब राजस्व अधिकारी थे उनकी क्या क्या जिम्मेवार हुआ करती थी यहाँ पर देखते हैं कि अकबर के राजस्व संग्राह के एक प्रतिशत कमीशन के स्थान पर कानूनगों को जागीर बांटी गई थी यस जी स्टेटमेंट तो सही है कानून को से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने नीत क्षेत्र में राजस्व संग्रहण के दौरान कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा देखिए जो कानून गो होते थे वो परगने और पटवारियों के प्रधान हुआ करते थे क्योंकि उनके अंडर तो जो कानून व्यवस्था थी वो तो उनके अंडर नहीं आती थी कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना उनका काम नहीं था तो स्टेटमेंट बी यहाँ पर गलत है अमीनों द्वारा बनाई गई कबूलियत पर चौधरी और मुकदम के साथ कानूनगो के हस्ताक्षर होते थे यस ये तो सही है कानूनगो से आशा की जाती थी कि वह अमील द्वारा राजस्व की अवैध उगराही की सूचना राजस्व अधिकारियों को देगा यस ये भी सही है और कानूनगो अपने अधीन क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों से संबंधित सूचना और स्थाई अभिलेखापाल भी हुआ करता था यस ये भी सही है तो केवल यहाँ पर बी स्टेटमेंट गलत है तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर ए सी डी और ई e. यहाँ पर ई e थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो थ्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने स्वर्णदीप में हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया था तो भारतीय राजा जो थे जिन्होंने स्वर्णद्वीप पर अपना हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया था वो थे राजेंद्र फर्स्ट ठीक है वन इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बारहवीं और सोलवीं शताब्दी काल के भारत में दार्शनिक शास्त्रार्थ द्वारा ज्ञान उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्थान प्रसिद्ध थे बनारस मिथिला नवदीप कांचीपुरम या फिर मथुरा देखिए जो फिलोसिफिकल डिबेट्स हुआ करती थी वो हुआ करती थी एक तो मिथिला में दूसरी नवदीप में दो ऐसे स्थान थे जहाँ पर फिलोसिफिकल डिबेट्स हुआ करती थी ट्वेल्व और सिक्सटीन सेंचुरी के दौरान तो आंसर होना चाहिए बी और सी बी और सी यहाँ पर है ऑप्शन दो में ठीक है टू इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हिस्टोरियोग्राफी से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट ये कहती है कि इतिहास हमें हमारी स्वयं की पहचान का भाव देती है यस yes, इतिहास हमें अपने बारे में बताती है ठीक है और इतिहास हमें अतीत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है ये भी सही है इतिहास अनेक अन्य विषयों के लिए बुनियादी पृष्ठभूमि नहीं प्रदान करता है ये यहाँ पर लिखा होता है ना प्रदान करता तो ये भी सही होता ये गलत है इतिहास हमें मनुष्यों सामाजिक संस्थाओं और मानव स्थितियों की प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है यस yes, ये भी सही है इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन हमें अनेक महत्वपूर्ण कौशल सिखाता है तो इतिहास से तो हम बहुत कुछ सीख के चलते हैं ना तो इतिहास सब्जेक्ट ही ऐसा है इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आप इसमें पीएचडी करो आगे और भी पढ़ो कितना मज़ा आता है ना पढ़ने में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इतिहास में जो पुरातन समय में जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे हमें सीखने को मिलता है उनसे सीखकर हम अपने आने वाले फ्यूचर को और भी अच्छे से बेहतर और बेहतर बना सकते हैं तो इतिहास इतना अच्छा सब्जेक्ट है मैं तो इसे बहुत पसंद करता हूँ आप कितना करते हो कॉमेंट करिएगा नीचे क्या आपको भी इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है क्या मजबूरी में पढ़ रहे हो <laughs> अगर आप दिल से पढ़ रहे हो तो फिर आप इस एग्ज़ाम को तो अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे अगर आप सोचते हैं क्या फंस गए यहाँ तो फिर तो मुश्किल है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आपको इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है अगर अच्छा लगता है तो लिखिएगा खुल के लिखिएगा ठीक है देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या क्या अपने व्यूज़ शेयर कर सकता है चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए क्या आंसर होना चाहिए तो स्टेटमेंट यहाँ पर सी गलत है तो आंसर होगा ए बी डी और ई तो ए बी डी और ई e, यहाँ पर ऑप्शन एक में ही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए ठीक है मान सिंह की बिहार विजय मान सिंह को बिहार का गवर्नर बनाया गया था 17 मार्च 1594 को ठीक है पंद्रह सौ ईस्वी को बिहार का गवर्नर बनाया गया था इनको मीटिंग ऑफ जयसिंह विद शिवाजी जो पेपर शिफ्ट वन में आया था उसमें ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट थी कि जय सिंह की शिवाजी के साथ भेंट थी पुरंधर की संधि ठीक है इसको हम पुरंधर की संधि भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि जय सिंह और शिवाजी के साथ जब भेंट होती है ये होती है ग्यारह जून सोलह सौ को ठीक है जो क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में मैं दोबारा से एक्सप्लेन किया है ना उसी क्वेश्चन में इसकी स्टेटमेंट का जिक्र आपको मिल जाएगा और राजा बिहारमल की अकबर के साथ भेंट होती है पंद्रह सौ अड़तालीस ईस्वी को और कशवाहा पर जय का अधिमिलन होता है जिसे एक्सेशन होता है तो ये होता है सोलह सौ ईस्वी को और यूसुफजाई कुल के विरुद्ध मान सिंह का अभियान जे अफ़गानिस्तान में अभियान करते हैं ये करते हैं 1580 ईस्वी को तो इसको मिला के देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले सी आएगा फिर ई ए डी और बी तो ये है आंसर ऑप्शन तीन ठीक है चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इनडेप्थ पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे तमिल का पाँचवा वेद और सर्वधर्म संग्रह की बारहवीं पुस्तक भी माना जाता है तो ये माना जाता है तिरुवंडर पुराणम को ऑप्शन फोर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग नब्बे हज़ार लोग हथियार उठाने में सक्षम थे तो ये स्टेटमेंट दी थी निकोलो कौंटी ने तो फोर इज द आंसर चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर सही स्टेटमेंट देखनी है टीपू सुल्तान स्मैम को पाशाह घोषित किया और उसके नाम से खुतबा पढ़ा जाता था यस yes, टीपू सुल्तान ने अपने आप को जब पाशाह घोषित किया था तो उसके नाम के कारण खुतबा भी पढ़ा जाता था तो ये सही है टीपू सुल्तान ने मोहम्मद युग का आरम्भ किया था यस yes, ये भी सही है और टीपू ने इनामी नामक नई मुद्रा चलवाई थी यस yes, यस yes, ये भी सही है टीपू ने अपने शासन में मेहदबियों का उत्पीड़न किया था या ये भी सही है और कनारा ईसाइयों को टीपू के शासन के दौरान जेल और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था यस ये स्टेटमेंट भी सही है तो पांचों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन चार ऋग्वैदिक काल का व्यंजन का आरंभ निम्नलिखित में से किससे बनता था अन्न से जौ से तिल से या फिर उपयुक्त सभी में से देखिए जो व्यंजन का आरंभ होता था ये सभी उसमें प्रयोग होते थे ठीक है अन्यो तिल तो आंसर इज़ फोर महात्मा गांधी ने किसको ये सलाह दी कि मैंने आपको संदेश भेजे हैं कि आपको भूमिगत रहकर अपनी ऊर्जा नहीं नष्ट करनी चाहिए आप कंकाल बनकर रह गए हैं बाहर आइए और आत्मसमर्पण कीजिए और अपनी गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम राशि को अर्जित कीजिए भाई महात्मा गांधी ने सलाह किसको दी थी कि आप अंडरग्राउंड मत रहो, बाहर आइए तो ये सलाह महात्मा गांधी जी ने दी थी अरुणा आसिफ अली को तो आंसर इज एक कौन सी पुस्तक इस उत्तेजक शुरुआती कथन के साथ प्रारंभ होती है भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लंबे समय काल से अभिजातवाद से प्रभावित रहा है ठीक है तो ये वाली जो पुस्तक है काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ लिखी गई थी सब स्टडीज वॉल्यूम जो था ऑप्शन दो यहाँ पर सही है भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लंबे समय काल से अभिजातवाद से प्रभावित रहा है यहाँ से शुरू होती है तो काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला तो आंसर इज टू ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है तो ब्रिटिश शासन काल का किस पर प्रभाव था यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट ए कहती है कि भारतीय विदेशी व्यापार में वृद्धि ना तो स्वाभाविक ना ही सामान्य थी यह साम्राज्यवाद को बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से विकसित की जा रही थी बिल्कुल आर्टिफिशियल सिस्टम था वहाँ पर तो स्टेटमेंट ये तो यहाँ पर ठीक है और विदेशी व्यापार की संरचना और विशेषता असंतुलित थी यस ये भी सही है और भारत से धन निष्कासन हुआ ये तो सबको पता है और घरेलू उद्योगों का विनाश और रोज़गार के अन्य मार्गों की अनुपस्थिति ने लाखों हस्तशिल्पियों को कृषिक बनने की ओर धकेल दिया यस यस ये भी सही है और नगरीय और ग्रामीण दस्तकारी उद्योगों का क्रमिक पतन और विनाश हुआ था यस ये स्टेटमेंट भी ठीक है तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही हैं तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आंसर इज टू अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ रहे हो मैं किसी और क्वेश्चन पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ अगर आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उनको यदि आपने अच्छे से पढ़ा है अच्छे से देखा है तो आपको ये पता चल गया होगा कि यू जी सी क्वेश्चन के बीच में से ही क्वेश्चन बनाता है मैं पहले भी कहता हूँ फिर से कहूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना जरूरी है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण मिला है आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओ आपको इसी वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो विवरण आपको मिलेगा मैंने पहले भी बताया था वो है मुद्रा राक्षस में ये विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के कामों का विवरण आपको मिलता है तो आंसर इज टू ठीक है निम्नलिखित को अनुसार हमने लगाना है ऑप्शन ए कहता है कि कॉलिन में ने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में आठ से अधिक शिलालेख एकत्रित किए थे ठीक है बिल्कुल ये ब्रिटिशर इंटरप्रेटर और सरवायर थे यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जितने भी नक्शे वगैरह बनाते थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे ठीक है याद रखना और कलिन में बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में क्योंकि जब इनकी डेथ होती है उसके बाद इनसे ये सारे के सारे शिलालेखों के बारे में इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो माना जाता है कि ये अठारह सौ सत्रह ईस्वी से लेकर के अठारह सौ अठारह ईस्वी के बीच में इन्होंने जो सारी सामग्री एकत्रित की थी बीस स्टेटमेंट कहती है कि जेम्स प्रिंसप के द्वारा अशोक काल की ब्रह्मी का भी कुटन किया गया था मतलब यह हुआ कि अशोक काल में जितने भी शिलालेख लिखे गए हैं उन पर जो ब्रह्म लिपि में जो कुछ भी लिखा गया है उसको जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था ये पढ़ा था उन्होंने अठारह ईस्वी में ठीक है अलेक्जेंडर करिंगम द्वारा अशोक शिलालेखों के पहले सेट का प्रकाशन हुआ था जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक भी इनको माना जाता है तो जो अलेक्जेंडर कनिंगम ने जो शिलालेखों का जो पहला सेट प्रकाशन किया था वो किया था अठारह सौ सतहत्तर ईस्वी में ठीक है दक्षिण भारतीय शिलालेखों के जर्नल एपिग्राफी का जो कर्नाटिका का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था तो ये वाला भी जो अंक है ये प्रकाशित हुआ था अठारह सौ छियासी ईस्वी में ठीक है ली लॉइस राइस नाम के एक व्यक्ति ने इसको पहले सबसे पहले प्रकाशित किया था जो कर्नाटिका नाम से प्रकाशित हुआ था उसके बाद एक एपिग्राफिका इंडिका नाम से भी एक शिलालेख के जर्नल प्रकाशित होते हैं तो ये होता है अठारह सौ बानवे ईस्वी में ठीक है अब इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखेंगे तो कौन सा पहले आएगा देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा ए बी सी डी और ई ये सारे के सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगा रखे हैं तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन तीन किस वायसराय को उसके अपने देशवासियों ने उसके नाम के साथ राज्य क्षमा क्लीमेंसी जैसा शीर्षक प्रदान किया गया था देखो ये थे वायसराय लॉर्ड कैनिंग आपने याद रखना है इनका समय काल था अठारह से लेकर अठारह सौ ईस्वी तक याद रखना इस समय काल के दौरान ये फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे और अठारह से लेकर अठारह तक ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे भारत के ठीक है तो इनके समयकाल के दौरान जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी एक तो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स का सिद्धांत वापस ले लिया गया था और बहुत सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना इन्होंने की थी इसी कारण इनको इनके देशवासी जो थे विस्काउंट कैनिंग के नाम से जानते थे तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन एक चलिए ये क्वेश्चन देखिए कि मुगल कालीन भारत में यातायात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जब मुग़ल प्रशासन चल रहा था ना उस समय यातायात की क्या व्यवस्था थी तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स मार्ग की आवाजाही को बड़े काफिले संरक्षण प्रदान करते थे यस yes, ये स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि जब मार्ग में आवाजाही चलती थी तो एक बड़े काफ़िले के रूप में चलती थी ठीक है तो ये तो सही है काफ़िला में आंतरिक झगड़े भी होते थे जो कभी कभी प्राणघातक भी होते थे यस yes, ये भी सही है जब इतने बड़े काफ़िले चलेंगे तो नेचुरली है कहीं ना कहीं झगड़ा तो होगा बाजारों के कैंप टांडा कहलाते थे यस yes, ये भी सही है और जल परिवहन बहुत सारे समकालीन स्रोतों से कम खर्चीले होते थे यस yes, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि जल के रास्ते जब हम व्यापार करते हैं तो वो कम खर्चा उसके ऊपर आता है तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है स्टेटमेंट ई e कहती है कि माल की आवाजाही के दौरान उपयुक्त होने वाले जानवरों की क्षति की भरपाई व्यापारियों के द्वारा की जाती थी ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है तो चार स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ए बी सी और डी आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन दो हाथियों की प्रमुख व्याधियाओं के निधान और उपचार से संबंधित हस्त आयुर्वेद की रचना किसने की थी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था जू ने तो हाथियों से संबंधित जो हस्त आयुर्वेद की रचना लगभग 1800 सौ बीस के आसपास हुई थी तो ये की थी कल्पकाय ने ठीक है तो आंसर यहाँ पर इसका है ऑप्शन तीन ठीक है याद रखना जो हस्त आयुर्वेद से संबंधित ये ग्रंथ जो है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है सबसे ओल्डेस्ट जो पशु चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है ना वो यही है हस्त आयुर्वेद का तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन तीन नीचे दो कथन दिए गए हैं अभिकथन असन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में अभी कथन ये कहता है कि राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म को अस्वीकार कर दिया और ईसा मसीह के देवत्व को खंडन किया था यस ये कथन तो ठीक है और कारण कहता है कि राजा राम मोहर राय ने अठारह सौ बीस में प्रकाशित ईसा मसीह के नीति वाचन प्रिसप्ट ऑफ जीसस ये लिखा था यस ये तो उन्हीं की रचना है तो याद रखना ये स्टेटमेंट भी सही है ठीक है तो राजा राम मोहन राय का समयकाल था सत्रह से लेकर अठारह ईस्वी तक और ये पुनर्जागरण के अगरदूत माना जाता है और आधुनिक भारत के जनक भी इनको कहा जाता है ठीक से पहले ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कार्यरत थे वहाँ पर जॉब करते थे लेकिन वहाँ से इन्होंने जॉब छोड़ने के बाद ब्रह्म समाज की स्थापना की बहुत सारी ऐसी कृतियाँ थी जो समाज में बहुत ही प्रचलन में थी जैसे बाल विवाह जाति प्रथा सती प्रथा जातिवाद कर्मकांड इन सब का विरोध किया था उन्होंने ठीक है तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है और जो कारण है अभिकथन का स्पष्टीकरण भी करता है तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन एक बीना दास एक महिला क्रांतिकारी जिन्होंने बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान गोली चलाई वह किस कॉलेज से संबंधित थी प्रेजिडेंसी कॉलेज डेवसेशन महिला कॉलेज कलकत्ता कॉलेज या फिर संस्कृत कॉलेज ठीक है जो बीना दास थी इन्होंने सबसे पहले बैथ्यून कॉलेज कोलकाता में एडमिशन ली थी जो डेव शैशन महिला कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन दो भास के नाटक दृढ़ चारुदत्त में यवनी का पद निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है जो यवनी का है इसका क्या मतलब था दृढ़ चारुदत्त नाटक में जो भास की रचना है ठीक है कुमारी युवती पर्दे युवते स्वादिष्ट व्यंजन देखो आप जब यमनिका के बारे में सर्च करोगे ना तो ये आपको मिलेगा पर्दे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर पर्दे नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर है स्वादिष्ट व्यंजन जो भास का द्रिद्र चारुदत्त नाटक है ना उसमें यमनिका शब्द जो है वो स्वादिष्ट व्यंजन के लिए प्रयोग किया गया था तो आंसर इज फोर सिकंदर के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने कश्मीर के विध्वंस का शोक जताया था सुख पंडित श्रीवर जौनार राजा या फिर प्राजय भट्ट जब कश्मीर पर सिकंदर ने आक्रमण किया था ये किया था तेरह सौ उन्यानानवे ईस्वी से लेकर के चौदह सौ तेरह ईस्वी तक लगभग इसका शासनकाल वहाँ पर रहा था उस समय के दौरान सिकंदर ने जितने भी हिंदू टेम्पल थे उनको विध्वंस कर दिया था उनको तोड़ दिया था तो जौना राजा एक उस समय के जो कश्मीरी हिस्टोरियन और पोइट थे उन्होंने अपनी जो उनकी प्रसिद्ध रचना है राजतरंगणी जिसका उन्होंने दूसरा भाग जब उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया है तो आंसर इज ऑप्शन थ्री जौना राजा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चिन्हित कीजिए सुल्तान रजिया ने ख्वाजा नामक अधिकारी को एकता की आय और व्यय को नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया था तो ये कथन गलत है और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सभी राजस्व दाताओं को बिना किसी भेदभाव के राज्य के अधीन करने के लिए कृषि सुधार किए थे तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है और सुल्तान फिरोज शाह ने संकटग्रस्त कृषकों की सहायता हेतु तकवी ऋण की शुरुआत की थी तक कावी ऋण की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी याद रखिएगा तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगी इजारा पद्धति ने कृषकों की दुर्दशा में वृद्धि की थी यहाँ ये तो सही है और शेर शाह ने किसानों की सहायता के लिए जमींदारों के अधिकारों का अनुमूलन किया था तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है केवल दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं बी और डी तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन एक निम्नलिखित में से कौन मुगल और राजपूत मैत्री के भाग नहीं थे विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द पार्ट ऑफ द मुग़ल राजपूत अलायसेज देखो जो मुगलों और राजपूतों के बीच में जो आपस में मैत्री संबंध थे उनमें उनके विवाह संबंध तो आते थे ठीक है एक तो ये थे और वतन वतनजगीर भी थे और सुलह कुल ये भी थे जो उनके मैत्री के भाग नहीं थे एक तो थे मनसबदारी और दूसरा इनाम जागीर तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन बी और डी तो बी और डी है यहाँ पर ऑप्शन दो में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बॉम्बे में 1896 के वर्ष में लुमरी बंधुओं का प्रतिनिधि कौन था जिन्होंने चलचित्र पर अपनी पहली बार जो फ़िल्म का कल्प प्रदर्शित किया था तो ये मान के चलो कि 1896 में पहली बार बॉम्बे में फिल्म की प्रदर्शनी की गई थी तो उस समय जो लुमेरिए बंदुक थे जो दो ब्रदर थे ये वाले इनका प्रतिनिधि कौन था बहुत ही डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछा है यूजीसी ने ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था तो काफ़ी रिसर्च के बाद इसका आंसर मिला है कि वेअर और मारियस सैटियर जो थे ये एक सिनेमेटोग्राफर थे और भारत में ये पहली बार आए थे इन्होंने वैट्सन होटल जो बॉम्बे में था वहाँ पर पहली बार प्रदर्शित की थी चलचित्र पिक्चर ठीक है उस समय लुमेरिय बंधुओं के ये प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे वेरियर और मारियस सैटियर तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन दो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने ग्राम पदाधिकारी आयागर अनुदान से संबंधित थे ऑप्शन हैं बारह दस ग्यारह और तेरह देखो विजयनगर साम्राज्य का जो सिस्टम था जो उनका ए सिस्टम था ये एक प्रकार की उनकी बैकबोन थी उनके सिस्टम की पूरी बैकबोन थी आईआईगर सिस्टम संगम डायनेस्टी से ही शुरू हो चुका था और ये ग्राम स्तर का एक छोटा सा संगठन हुआ करता था जिसमें 12 अधिकारी शामिल हुआ करते थे तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन एक चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह क्वेश्चन रिसर्च से आया है रिसर्च का टॉपिक हमारे पेपर वन में भी पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होना चाहिए चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि प्राथमिक स्रोत वह साक्ष्य हैं जो अन्वेंशन अधीन काल में लिखा या फिर रचित किया गया हो द प्राइमरी सोर्स इज द एविडेंस विच रिटन और कम्पोज ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द इन्वेस्टिगेशन यस ये स्टेटमेंट तो सही है ठीक है और प्राथमिक स्रोत वह साक्ष्य हैं जो अध्ययन अधीन घटनाओं में भाग लेने वाले उन्हें देखने वाले अथवा उन पर टिप्पणी करने वाले समकालीन के अभिलेख हों यस yes, यस yes, ये स्टेटमेंट भी सही है और प्राथमिक स्रोतों में समाचार पत्र शामिल नहीं होते ये गलत है क्योंकि प्राथमिक स्रोतों में समाचार पत्र तो शामिल होते हैं घटना के होने के बाद उस काल के बारे में लिखे वृत्तांत को द्वितीयक स्रोत कहते हैं ये ये स्टेटमेंट तो सही है और प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बीच में भिन्नता सदैव अत्यधिक स्पष्ट होती है ये स्टेटमेंट गलत है केवल तीन स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं ए बी और डी तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन चार सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए सूची एक में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नीतियाँ थी ठीक है उनको मलाही कौन कौन से समय काल के दौरान उन्होंने बनाई थी गोलाकार घेराबंदी नीति जिसको रिंग फैंस नीति कहते थे ये पॉलिसी सत्रह और अठारह के बीच में लागू की गई थी तो ये को मिलाएँगे हम दो के साथ अधीनत संग नीति ये वाली जो पॉलिसी ऑफ रिंग फैंस नीति थी ये वारन हेस्टिंग के समय काल के दौरान आई थी याद रखना और ये सत्रह और अठारह के बीच में थी और अधीनत संघ नीति जब अठारह की क्रांति होती है ना उसके पश्चात ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपने अधीन पूरी की पूरी पावर्स को ले लेता है जितने भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स है उसको क्राउन अपने हाथ में ले लेता है तो अधीनत संघ नीति का मतलब यह था कि वे चाहते थे कि जितनी भी वहाँ पर उस समय की रियासतें हैं वो अपने आप इंडिपेंडेंट ना हो उनको एक ही शक्ति के नीचे एकत्रित कर लिया जाए तो ये वाली जो नीति थी ये अठारह से शुरू की गई थी और उन्नीस तक लगभग रही थी ठीक है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके बाद इस नीति को ख़त्म किया गया था तो बी का यहाँ पर ए के साथ हम मिलाएंगे और अधीनस्थ अलगाव नीति जो 1813 में शुरू होकर के अठारह तक रही थी तो ये मिलाएंगे हम ऑप्शन चार के साथ और समान परिसंग नीति ये 1935 से लेकर उन्नीस तक रही थी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिला के देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए सबसे पहले आएगा दो ए का दो बी का एक सी का चार और डी का तीन तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन तीन निम्नलिखित में से किस स्थल पर उत्तर हड़प्पाई और गैरुक मृदभांड चरण के बीच अति यापन का पता लगाया जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स कैन बी ट्रेस द ओवरलैप बिटवीन द पोस्ट हड़प्पन एंड गैरिक वर्फेसिस तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि उत्तर हड़प्पाई और गैरुक मृदभांड के चरण कौन सी जगह पर ओवरलैप करते हैं तो ये करते हैं बडगांव और अम्बाखेड़ी में ठीक है जो बड़गाम है ये एक पुरातात्विक स्थल है और ये सहारनपुर जिला में पड़ता है उत्तर प्रदेश में ठीक है यहाँ से हमें जो उत्तर हड़प्पा और गैरिक मृद भांड के चरण का पता चलता है तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन चार नीचे दो कथन दिए गए हैं एक को अभी कथन ए और दूसरा उसका कारण है अभी कथन और कारण से हमेशा ही जो जी क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट क्या कहती है कि शेख अहमद सरहिंदी ने भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में एहबाबा तल नवाबा ये बुक लिखी थी इसमें अफसोस जाहिर किया है ठीक है ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कारण कहता है कि भारतीयों के बीच में इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में पैगंबर काल दर्शन शास्त्र के विज्ञान और भारतीय संतों के अध्ययन के बीच के समय अंतराल का इसको कारण बताया जाता है तो ये भी स्टेटमेंट सही है वो द स्टेटमेंट आर ट्रू तो आंसर होना चाहिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है तो आंसर इज़ वन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए सूची एक में कुछ इम्पॉर्टेंट जगहें हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं सूची दो के साथ हमने देखना है इनको मिला करके जो कामरूप है कामरूप का संबंध है भोमपाल के साथ ठीक है कामरूप जगह है और भोमपाल के साथ इसका संबंध है और भक्ति रत्नागर भक्ति रत्नागर का संबंध है शंकरदेव के साथ और मार्ग पुराण इसमें आपको श्री शरदानंद की कथा का वर्णन मिलता है तो इसको मिलाएंगे हम एक के साथ और वृंदावन का संबंध है श्री चैतन्य के साथ तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिला के देखिए इसका आंसर होना चाहिए ए का तीन बी का चार सी का एक डी का दो तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन तीन ठीक है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इन डेप्थ पूछा गया था काफ़ी इन डिटेल आपको जाना पड़ेगा यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सही करना चाहते हैं तो निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले शुरू करके हमने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो बॉम्बे प्रेजिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ था ये फिरोशा मेहता और बद्रुलद्दीन तयवजी के द्वारा किया गया था ये किया था अठारह ईस्वी में ठीक है आप इसकी डेट जरूर याद रखना और बम्बई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी ये बॉम्बे में हुई थी तो ये की थी एम जी राना डे और रघुनाथ राव ने ठीक है ये की थी अठारह सौ ईस्वी में 1887 में और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजन हुआ था ये हुआ था अट्ठाईस उनतीस तीस दिसंबर अठारह सौ ईस्वी को ठीक है ये दिसंबर में हुआ था याद रखना और मद्रास में महाजन सभा की स्थापना होती है अठारह सौ चौरासी ईस्वी में ठीक है ये भी आप याद रखना इसकी डेट ज़रूर याद रखना ईयर्स आपको इंपॉर्टेंट है ईयर जरूर आपको पता होना चाहिए और एल्बर्ट बिल्विवाद ने ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था में जो नस्ली भेदभाव को उजागर किया था तो ये हुआ था लगभग जनवरी ठीक है याद रखना यहाँ पर जनवरी अठारह ईस्वी में तो इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखेंगे तो सबसे पहले आएगा सी फिर ई डी ए बी तो फोर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ के चलिएगा इन इवेंट्स को आप ध्यान से याद रखना इनकी डेट्स वगैरह जरूर आ जाती है जू जी ने जैसे अभी क्वेश्चन बनाया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसको लाइटली मत ले लो ठीक है जब आप लाइटली ले, ले लेते हैं ना तो फिर समझ लो कि वहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इनमें से कौन सा कथन सही है यहाँ पर हमने सही स्टेटमेंट देखनी है स्टेटमेंट ये कहती है कि जमींदारी वांशानुगित थी और इसलिए इसकी खरीद और फ़रुख्त नहीं हो सकती थी तो पहली ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है जो जमींदारी वंशानुगृत नहीं थी तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर कहती है कि राज्य और गांव की क्षेत्रीय जनसंख्या के बीच में जमींदार महत्वपूर्ण बिचौलिए हुआ करते थे यस यस तो ये स्टेटमेंट सही है ये बिल्कुल सही है ठीक है देखिए सी स्टेटमेंट कहती है कि मुग़ल जमींदारों पर शाही अधिकारियों के विस्तार के अनुपालन का दबाव बनाने में असफल रहे थे ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है तो ये ठीक नहीं है ठीक है मुगलों के शासन में जमींदारी केवल प्रत्यक्ष शाही अधिकार क्षेत्र से बाहर थी ये स्टेटमेंट भी गलत है और शे ने देखा कि जमींदार और मुकदम राज्य के हिस्से को हड़प रहे हैं हाँ ये तो सही है भाई ये स्टेटमेंट सही है तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और बी और ई तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन दो काफ़ी काफ़ी डेप्थ में जाकर क्वेश्चन बनाया था जू ने तो चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद मिलाइए पहले सूची एक में बुक्स हैं सूची दो में राइटर्स हैं बुक्स और राइटर पर क्वेश्चन तो आते हैं हर बार मिलाइए इसका क्या आंसर होना चाहिए देखिए जो एसेज ऑन द गीता ये किसने लिखी थी ठीक है बताइए जरा किसने लिखी थी ये याद भी हो जाएगा आपको जा साथ साथ करते जाइए एसेज ऑन द गीता थी ये लिखी थी श्री अरविंदो ने आप मेरे साथ इसको मिलाते जाइए ठीक है एक को मिलाएंगे हम दो के साथ और रिलीजन एंड सोसाइटी ये एस राधा कृष्णन की रचना है ठीक है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र ये है वी के काणे की रचना और हिंदुज़्म एंड ये है ए के कुमार सोसाइट की रचना ठीक है तो यहाँ पर मिलाइए कोर्ट में क्या आंसर होना चाहिए ए का दो बी का तीन सी का चार डी का एक तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन दो ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है हमने यहाँ पर स्टेटमेंट गलत कौन सी है वो देखनी है ठीक है तो यू ने ये क्वेश्चन क्यों बनाया मुझे समझ नहीं लगा उनको ये क्वेश्चन या तो डिलीट कर देना चाहिए था या फिर ड्रॉप कर देना चाहिए था कुछ तो करना चाहिए था लेकिन चलिए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या हैं रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है ये गलत तो हो ही नहीं सकती कभी भी नहीं हो सकती गलत ठीक है अब यहाँ पर देखिए कि यदि ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत नहीं है तो विकल्प में इसका उत्तर कहाँ ढूंढोगे आप ये तो सब में दे रखा है उन्होंने उन्होंने कहा कि ये गलत है हमने यहाँ पर गलत स्टेटमेंट देखनी है तो आप ये देखिए कि यू का क्वेश्चन बनाने का तरीका देखो यहाँ पर क्या था अभी स्टेटमेंट कहती है कि उन्नीस में टगोर ने जनगण मन जो अब भारत के राष्ट्रीय गान है उसकी रचना की थी तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत है क्योंकि ये 1912 में नहीं 1911 में उसने इसकी रचना की थी ठीक है तो 1920 में टैगोर को साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार मिला था ये स्टेटमेंट भी यहाँ गलत है क्योंकि जो साहित्य के लिए गीतांजलि के लिए जब उन्होंने गीतांजलि की रचना की थी उसके लिए उन्होंने नोबल पुरस्कार जीता था तो वो मिला था उन्नीस ईस्वी में तो ये स्टेटमेंट भी गलत है यहाँ पर और 1925 में ब्रिटिश नरेश जॉर्ज पंचम ने टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी नाइटहुड की उपाधि तो उन्होंने ही दी थी लेकिन ये 1925 में नहीं दी थी ये 1915 में दी थी ये भी गलत है ठीक है और टैगोर एक असामान्य योग्यता वाले चित्रकार थे और उन्होंने लगभग तीन हज़ार के आसपास चित्र बनाए थे तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ गलत है उन्होंने लगभग बीस हज़ार के आसपास चित्र बना डाले थे ठीक है ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है तो चार स्टेटमेंट यहाँ गलत होनी चाहिए बी सी डी और ई बी सी डी यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है आप खुद भी इस क्वेश्चन को रिसर्च कीजिए तो लिखिए सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन है आपकी क्या ओपिनियन है इस क्वेश्चन को लेकर के चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए नवपाषाणिक स्थल दौजली हेडिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है देखिए ये है दीमा हसाउ डिस्ट्रिक्ट जो असम का एरिया पड़ता है उत्तरी कशार पहाड़ियाँ तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन एक ठीक है याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी एग्जाविशन की गई थी उन्नीस और बासठ के बीच में ठीक है ये किसने की थी ये एक टीम थी जिसमें एम गोस्वामी और टीसी सी शर्मा थे उन्होंने लीड किया था और उन्होंने इस स्थल की जो दौजली हेडिंग स्थल है इसकी खोज की थी कहाँ पर की थी ये नॉर्थ चौकार हिल ये उत्तरी कशार की पहाड़ियाँ में स्थित है तो ये पहली एक न्योलिथिक साइट है और नॉर्थ ईस्ट में ये मिलने वाली पहली न्यूलिथिक साइट है याद रखना दौजली हेडिंग कई बार जो जिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना ले तो आपको आना चाहिए चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं जी एक को सूची दो के साथ मिलाइए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है ये सूचियों के ऊपर वो वो भी पुस्तकों के ऊपर तो कुछ पुस्तक आपको प्राचीन काल से आएंगी कुछ मध्यकाल की और कुछ आधुनिक काल की यहाँ पर जो बुक्स हैं ये आधुनिक काल की बुक्स हैं यहाँ पर देखिए कि हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम्स मूवमेंट्स इन इंडिया वॉल्यूम वन ये किसकी रचना है देखिए ये आरसी मजूमदार की रचना है ठीक है को हम सीधा ए के साथ ही मिलाएंगे और राइज एंड फॉल ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया ये किसकी रचना है यह है बी डी बासु की रचना इसको दो के साथ हम मिला देते हैं सीधा ये सीधा मिला हुआ है द गोखले इंडिया मॉडरेट्स एंड द राज ये बुक किसकी लिखी थी ये है बी आर नंदा की रचना ठीक है सी को चार के साथ मिलाएंगे। यंग इंडिया ये लाला राजपत राय की रचना है तो मिलाइए इसका आंसर क्या होना चाहिए ए का एक बी का दो सी का चार डी का तीन तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन एक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक के मैदान में किसने झंडा लहराया था तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये थे अरुणा आसफ अली जी इन्होंने 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के मैदान में झंडा लहराया था तो आंसर इज एक एहोल शिला लेख में लेखक रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके साथ अपनी तुलना करते हैं देखिए जो एहोल अभी लेख है इसकी रचना की थी रवि कीर्ति ने ठीक है और जो रवि कीर्ति हैं इनकी जो तुलना की गई है वो कालिदास और भास के साथ की गई है तो आंसर इज़ वन आसान क्वेश्चन था ये तो आपको आना चाहिए किसने उन्नीस में गाय संरक्षण के मुद्दे को उठाया था अकालियों ने कुका आर्य समाज या ब्रह्म समाज में देखिए जो नामदेवी कुका आंदोलन था उन्होंने गाय संरक्षण के मुद्दे को उठाया था 1971 में तो आंसर इज़ टू निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार लगाना है काफ़ी डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया था काफ़ी ज़्यादा डीप में जाकर इसकी स्टडी करनी पड़ेगी तब ये क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे ठीक है जहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है सबसे पहले मिलने वाला टेम्पल कौन से सन में मिला था प्रथम स्तूप कब था आरंभिक उपनिषद कब शुरू लिखे गए थे उत्तर वैदिक परंपराएं कब शुरू हुई थी और महायान बौद्ध संप्रदाय का विकास किस सन में हुआ था और वीडियो को पॉज करिए सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इसका देखिए जो सबसे पहले दुर्गा मंदिर मिला था वो मिला था 635 सौ पैंतीस के आसपास ते और ये माना जाता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया है मंदेश्वरी टेम्पल इसको कहते हैं ये बिहार में पड़ता है शायद ठीक है और जो प्रथम स्तूप था इसकी इसको बनाया गया था थर्ड बीसी में ठीक है याद रखना थर्ड बीसी में और पहला स्तूप आपको मिलेगा थर्ड बीसी में और अर्ली उपनिषद जो थे ये सात सौ से लेकर के पाँच सौ बीस के बीच में लिखे गए थे ठीक है सात सौ से लेकर पाँच सौ के बीच में इनकी रचना हुई थी लेटर वैदिक ट्रेडिशन जो थे ये 1000 हज़ार से लेकर के मान के चलो ये उत्तर वैदिक काल कब था 1000 हज़ार से लेकर 600 सौ के बीच में ठीक है और महायान बौद्ध संप्रदाय में बट गया था ये फर्स्ट सेंचुरी बी में बटा था ठीक है फर्स्ट सेंचुरी बी में और इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखते हैं तो सबसे पहले आएगा डी सी बी ई और ए डी सी बी ई और ए यहाँ पर ऑप्शन दो में ठीक है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है यहाँ पर हमने सही कथन देखना है क्योंकि ये स्टेटमेंट में नीचे जाकर ज़रूर पढ़ा कीजिए कि पूछा क्या क्या, क्या है कई बार क्या करते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं ऊपर से देखते हैं स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं यहाँ पर जो लिखा है ना सही है या गलत है इसको कई बार हम नज़रअंदाजी कर देते हैं वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है तो क्वेश्चन वहाँ पर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ देखिए स्टेटमेंट ए देखो कि बलबन को नियाबती खुदाई मानता था किसको राजा को ठीक है बलबन जो था वो राजा को नियाबती खुदाई मानता था और उसने जिले उल्लाह की पदवी अपनाई हुई थी यस ये तो ठीक है ठीक है बलबन मानता था कि सुल्तान को तमाम तरह की मर्यादा और शिष्टाचार से छूट होती थी नहीं ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत है और बलबन ने अपने पुत्र के नाम वसाया में अपने राजनीतिक प्रज्ञान को रिकॉर्ड किया था यस यस ये स्टेटमेंट तो सही है और डी स्टेटमेंट कहती है कि बलबन ने अपनी वंशावाली को महान अरबी नायक अफरा सियाब तक खोजा यस यस ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है ठीक है और बलबन न्याय को किसी भी सुल्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्ति मानता था यस ये स्टेटमेंट तो ठीक है जो तीन स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं ए सी और ई ए सी और ई यहाँ पर ई e. यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन तीन सहमति की आयु अधिनियम अठारह द्वारा महिलाओं के लिए विवाह निष्पादन हेतु आयु सीमा को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया था टू विच ईयर वाज द एज लिमिट ऑफ फॉर मैरिज फॉर वुमेन रेज्ड बाय द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891। तो ये देखना है कि ये वाला जो एक्ट था ये एक्ट 10 के, तो के नाम से भी जाना जाता था एक्ट कई बार लिखा आ जाए ना एक्ट टेन ऑफ एटीन नाइन्टी वन तो ये वही एक्ट है जिसमें महिलाओं की जो विवाह की आयु थी उसको बढ़ा दिया गया था पहले ये आयु दस साल होती थी लेकिन उसको बाद में बढ़ा करके बारह वर्ष कर दिया गया ठीक है तो आंसर इज़ फोर निम्नलिखित में से किसके अनुसार बहुधा बौद्धिस्तव के पार्श्व में स्त्री विशेषकर स्त्री परिचरकाओं की प्रतिमावली की प्रधानता तांत्रिक अथवा वज्रयान प्रभाव का प्रतिबिंबन हो सकता है तो ये स्टेटमेंट थी हैटिंगटन की तो आंसर इस एक सूची एक का सूची दो के साथ मिलान कीजिए चलिए स्टेटमेंट एक कहती है कि पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव की नियुक्ति ये नियुक्ति हुई थी वैसे ये नियुक्ति हुई थी सत्रह सौ चालीस ईस्वी में ठीक है और यहाँ पर 1740 तो ये वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ मुझे लगता है ये थोड़ा मिसप्रिंट है 1740 ए को मिलाएंगे हम चार के साथ ठीक है डुबले की पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई थी ये हुई थी सत्रह ईस्वी में ठीक है तो आप बी को मिलाइए तीन के साथ और मारीशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बौद्रनाइस द्वारा मद्रास पर कब्ज़ा किया गया था तो ये कब्जा किया गया था छियालीस ईस्वी में और एक्सला चैपल की संधि और मद्रास का इंग्लिश कंपनी को पुनः सौंपा जाना यह हुआ था 1748 में तो आंसर यहाँ पर होगा एक का चार बी का तीन सी का एक डी का दो तो वन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है जो जी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहा है तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंसली वीडियो को पूरा देखा करिए यार वीडियो लाइक शेयर तो आप कर ही दिया करो यहाँ तक आए हैं तो मुझे लगता है कि आप सच में एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपकी यू में जेरफ लेने की जो जिज्ञासा है वो आपको यहाँ तक लेके आइए सेवेंटी फोर क्वेश्चन तक बच्चे क्या करते हैं थोड़ा सा फैडअप हो जाते हैं सोचते हैं छोड़ो क्या क्या बोरिंग सब्जेक्ट है क्या क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना यहाँ तक आते आते ना वैसे ही बस हो जाती है तो यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो क्योंकि आपको भी मैं आपको जरूर सल्यूट करता हूँ आपकी मेहनत को ठीक है आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए क्योंकि आपकी मेहनत जरूर सफल होगी आपको जेर एफ़ जे आर एफ़ ये आप लिख लो अपनी नोटबुक के पहले पेज के ऊपर बड़ा बड़ा करके लिख लो कि हमने जे एरफ़ लेना है तो बस फिर वो मोटिवेशन हमेशा बना के रखो जिस भी टेबल पर पढ़ रहे हो जिस भी आपके जो रूम है जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पर जे एर का एक बड़ा सा लगा के रख लो बोर्ड कि हमने जे एर लेना है बस मोटिव बना लो मोटिव जब तक आपका क्लियर है ना फिर तो कुछ भी पॉसिबल है जब मोटिव क्लियर नहीं है फिर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि भारतीय चलचित्र अधिनियम 1918 में पारित हुआ था यस yes, यस yes, ये तो सही स्टेटमेंट है और विजय भट्ट ने उन्नीस में राम राज्य फिल्म का निर्देशन किया था ये भी ठीक है और फिल्म भक्ति विदुर 1921 महाभारत महाकाव्य से संबंधित थी जैसे ये भी सही है नील दर्पण का लेखन देशबंधु चट्टोपाध्याय ने किया था नहीं, नहीं 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 ये गलत है नील दर्पण का लेखन जो किया था वो दीनबंधु मित्र ने किया था ना कि देशबंधु चट्टोपाध्याय ने किया था तो स्टेटमेंट डी यहाँ पर गलत है ठीक है डी डब्ल्यू ग्रिफिथ ने नॉर्थ ऑफ ए नेशन फिल्म का निर्देशन किया था वैसे मैं ये फिल्म देखी तो नहीं है लेकिन निर्देशन उन्होंने किया था डी डब्ल्यू ग्रिफिथ ने तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन दो ए बी सी और ई e, ठीक है टू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखो यदि हमें पता चल जाए हमें ये पता चल गया कि डी इज़ द रॉन्ग ऑप्शन ठीक है तो यहाँ पर हम एलिमिनेट करें यदि हम इसमें डी है इसको भी गलत है इसको भी हम काट सकते हैं तो ये सभी स्टेटमेंट सही हो नहीं सकती तो तीन भी यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर देखिए फिर फिर बचेगा चार और दो चार और दो में झगड़ा होगा फिर है ना आपका तो यहाँ पर देखेंगे भी कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है क्योंकि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स के बारे में तो किसी को पता होता नहीं है जैसे भारतीय चलचित्र अधिनियम उन्नीस सौ अठारह में पारित हुआ था सबको याद नहीं होगा ये जियर तो किसको याद नहीं होगा ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा एलिमिनेट करके चलेंगे ना तो फिर ये क्वेश्चन के आंसर के बिल्कुल आप आस पास पहुँच सकते हैं जब ये क्वेश्चन मैं कर रहा था ना जब सबसे पहले जब मेरे सामने ये क्वेश्चन आया तो मैंने भी इसको सबसे पहले एलिमिनेट करके ही देखा था कि इसको मुझे क्या इसमें, क्या इसमें क्या ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ तो सबसे पहले मैंने डी ऑप्शन को एलिमिनेट किया था क्योंकि मुझे डी कन्फर्म था कि ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है तो उस हिसाब से मैं इसके दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया तो इसका मतलब मैं फिफ्टी क्वेश्चन सही कर चुका था तो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिसर्च का विषय था उनको हमने रिसर्च किया बाद में इस क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुँचे हैं तो टू इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं आगे अकबर के द्वारा किस समस्या से संबंध में करोड़ी का प्रयोग किया जाता था ठीक है जो क्रोड़ी का प्रयोग अकबर के द्वारा किया जाता था ये जमा और हासिल के मध्य अंतराल निदान हेतु होता था इसको करोड़ी इस्तेमाल करते थे वहाँ पर तो फोर इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1850 में न्यू इनफील्ड राइफ़ल ने किस पुरानी बंदूक का स्थान प्राप्त किया था सबसे पहले न्यू इनफील्ड राइफ़ल हुआ करती थी उसको बाद में जैसे ही थोड़ी सी उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आई तो वो चेंज हो गई थी ब्राउन्स बेस के नाम से जो ब्राउन बेस नाम की बाद में राइफ़ल आई थी उसने उसकी जगह ले ली थी तो आंसर इज़ वन मथुरा कला में सगोत्रा त्रिक के समावेश वाली मूर्तियों में निम्नलिखित में से किसे चित्रित किया जाता है देखिए जो मथुरा कला में सगोत्रा त्रिक के समावेश वाली जो मूर्तियाँ थी उसमें वासुदेव कृष्ण का समावेश मिलता है बलदेव का मिलता है एक नामशा का मिलता है तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन दो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ पर सही स्टेटमेंट देखनी है कि ये स्टेटमेंट कहती है कि आर जी कॉलिंगवुड ने कहा है कल्पना की कृतियों के रूप में इतिहासकारों की कृतियों और उपन्यासकारों की रचनाओं में कोई अंतर नहीं होता जो अंतर होता है वह यह है कि इतिहासकार का चित्र का आयश्य सच होता है यस स्टेटमेंट तो हैलिंगवुड की ही है द कोनिंग ने कहा था कि वर्तमान मुझे प्रभावित नहीं करता है मैं इसे प्रभावित करता हूं तो ये स्टेटमेंट गलत है ये स्टेटमेंट विलन द कोलिंग की नहीं है मार्क ब्लोज ने कहा है कि परंतु इतिहास ना तो घड़ी निर्माण है और ना ही कैबिनेट गठन है यह बेहतर समझदारी की दिशा में एक प्रयास है यस ये स्टेटमेंट तो मार्क ब्लाउज की ही है डेविड शैनन ने कहा है कि जीवन सरल नहीं है और इसलिए इतिहास जो कि विगत जीवन है सरल नहीं है तो ये स्टेटमेंट भी डेविड शैनन की ही है तो यहाँ पर देखते हैं अगली स्टेटमेंट एम्ब्रोज वीरियस ने कहा है कि केवल ईश्वर ही भविष्य को जानता है परंतु केवल एक इतिहासकार ही अतीत को बदल सकता है यस 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 ये स्टेटमेंट भी सही है तो यहाँ पर चार स्टेटमेंट सही हैं तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ए सी डी और ई ए सी डी और ई ए सी डी और ई e यहाँ पर है यहाँ पर ई मिस प्रिंट है तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन दो सूची एक का सूची दो के साथ मिलान कीजिए सूची एक में टर्म्स हैं जो भूमि के संबंध में यूज़ की जाती थी ये इनकी लोकल लैंग्वेज में यूज़ की जाती थी यहाँ पर मिलाइए इसको नई थाल जो नई थाल है ये यूज़ किया जाता था समुद्री तट के आसपास की भूमि के लिए समुद्री तट को नई थाल कहा जाता है और मल्लई मल्लई जो यूज़ किया जाता है ये किया जाता है वन क्षेत्र को मल्लई कहते हैं ना वन को और पल्लई पल्लई किसको कहते हैं पल्लई कहते हैं सूखा क्षेत्र जो होता है उसको पल्लई कहते हैं और कुरंजी जो पर्वतीय भूमि होती है उसको कुरंजी कहा जाता है तो मलाइए इसको हम क्या आंसर होना चाहिए एक का तीन एक का तीन यहाँ पर है एक का तीन तो यहाँ ऑप्शन दो में दो नहीं दो नहीं होगा एक का तीन यहाँ भी है तो एक का तीन बी का एक सी का दो डी का चार हाँ ये है ऑप्शन चार में ठीक है तो वैसे भी ध्यान रखना जल्दबाजी में यहाँ गलत भी हो सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विशाखदत्त के नाट्य देवी चंद्रगुप्त को भोज के श्रृंगार प्रकाश की पांडुलिपि में पाया गया था इस नाटक का कुछ भाग निम्नलिखित में से किस लेखक की पांडुलिपि में पाया गया है तो ये पाया गया है गुणचंद्र का नाट्य दर्पण में तो आंसर इज थ्री याद रखना ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो सकता है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन से संत वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे तो वैष्णव परंपरा के अनुयायी संत यहाँ पर थे नम्बलवार एस यस तो केवल नम्बलवार ही थे जो वैष्णव परंपरा के संत थे तो टू इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1937 में जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष किसे चुना गया था 1937 में जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे रामास्वामी नायकर जी तो टू इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं यहां पर देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है महाभारत के भीषम पर्व में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है यस ये स्टेटमेंट तो ठीक है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से इस गुप्त काल के दौरान हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है यस ये स्टेटमेंट भी ठीक है तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन एक सूची एक को सूची दो के साथ मिलान कीजिए सूची एक में औरंगजेब के द्वारा समय काल के दौरान घटी हुई घटनाएं हैं कौन से वर्ष में वो घटी थी ठीक है आप इसको वीडियो को पॉज करिए करिए पॉज ज़रा देखिए क्या आपका आंसर सही हो सकता है मिलाइए जा रहा मुगल सिख युद्ध कब हुआ था मुगलों का और सिखों का युद्ध हुआ था सोलह ईस्वी में सिक्सटीन में ठीक है आप मिलाते जाइए मेरे साथ ही मिला लो इसको और जाट विद्रोह हुआ था सोलह ईस्वी में और मुगल और राजपूतों के बीच में युद्ध हुआ था यह हुआ था 1679 में और सतनामी विद्रोह हुआ था सोलह ईस्वी में तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर ए का तीन बी का एक सी का चार डी का दो तो वन इज आंसर संगम परंपरा के सबसे अधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक लक्षण हमें किस ग्रंथ में मिलते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक जब हम इस क्वेश्चन को बना रहे थे तो एक यहाँ ऑप्शन मिस हो गया था ऑप्शन डी ऑप्शन डी यहाँ पर है एकम एक ठीक है एकम एक याद रखना आपको पीडीएफ में इसका आंसर मिल जाएगा तो संगम परंपरा के सबसे जो महत्वपूर्ण साहित्यिक लक्षण हमें मिलते हैं वो एक तो मिलते हैं हमें पूरम से और दूसरे एकम एक से तो यहाँ पर डी आंसर होना चाहिए बी और डी ठीक है बी और डी इसका आंसर होगा तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लो ऑप्शन में बी और डी यहाँ पर ऑप्शन तीन में ठीक है याद रखना यहाँ पर पांच ग्रंथ हैं तलिकपम पर्रम प्रबंधम और शोध और एकम एक याद रखना डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होना चाहिए जो संगम परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक लक्षण हमें मिलते हैं एक तो मिलते हैं पूर्म से और दूसरे एकम एक से तो आंसर होगा यहाँ पर बी और डी चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित किस मुगल चित्रकार ने फारस के शाह का चित्र बना डाला था तो मुग़ल चित्रकारों में सबसे इम्पोर्टेंट चित्रकार थे यहाँ पर सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं मंसूर मनोहर बिस्वान और बिशनदास जो बिशन दास थे उन्होंने फारस के शाह का चित्र बनाया था तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन एक तो ये वाले जो चित्रकार हैं जितने इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन तो आएगा जो मुगल इतिहासकार के दौरान जितने भी मुगल चित्रकार थे खासतौर पर जहांगीर में अकबर के समय काल के दौरान इनसे जो जी ने हर बार क्वेश्चन पूछा है तो रिपीटेडली ये क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करता है जू जी लेकिन क्वेश्चन फिर से बना देता है तो ये क्वेश्चन इसको लाइटली मत लो लाइटली मत लो जितना मैं कहता हूँ ना जो कहता हूँ उसको पढ़ लिया करो तो क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे तो होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए सूची एक और दो इम्पॉर्टेंट है अगर आप ये क्वेश्चन भी गलत करके आओ ना फिर तो भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा ठीक है और सूची एक में जितने भी शासक थे उनको अकॉर्डिंग टू द रीज़न अकॉर्डिंग टू द एरिया उनको उपाधि दी जाती थी जैसे जो शासक हुआ करते थे साउथ में उनको क्या कहते हैं जो नॉर्थ में होते थे उनको क्या कहते हैं जो पूर्व एरिया के शासक हुआ करते थे उनको क्या कहते थे ये सारी उनकी उपाधियाँ हुआ करती थी यहाँ पर आप मेरे साथ ही मिलाते जाइए तो जो पूर्वी भाग के शासक हुआ करते जैसे पूर्वी भाग का मतलब यह हुआ कि जो असम के या फिर अरुणाचल प्रदेश एरिया के जितने भी शासक थे उनको सम्राट कह के बुलाया करते थे ठीक है और विराट जैसे ही कोई विराट बोलता था विराट नरेश विराट का मतलब हो जाता था कि उसको पता चल जाता था कि ये पश्चिमी एरिया का शासक है तो विराट को मिलाइए आप पश्चिमी भाग में और भोज 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 जितने भी हुए हैं शासक वो सारे के सारे शासकों को भोज कहा जाता था जितने भी साउथ इंडिया के शासक हैं उनको भोज नाम की उपाधि से सम्मानित किया जाता था तो जो राजा हुआ करते थे ये मध्य देश जो सेंट्रल इंडिया था ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेडली जू जी ने घुमा घुमा के पूछा है बार बार आया है तो ये पक्का कर लो इसको जरूर आप समझ के चलो ठीक है इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए ए का चार बी का तीन सी का एक डी का दो तो ये है ऑप्शन एक ठीक है विजयनगर साम्राज्य में अश्य व्यापार जो घोड़ों का व्यापार हुआ करता था उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर देखना है सही है तो ये माना जाता है हमने इतिहास में बहुत बार पढ़ा विजयनगर के जो शासक थे वो घोड़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे क्योंकि जितनी भी सेनाएं थी उनके लिए वह बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े वह खरीद कर लाते थे बहुत दूर दूर से तो यहाँ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं स्टेटमेंट ये कहती है कि विजयनगर के शासक अश्वपति कहलाते थे यस ये तो सही है और अश्व व्यापारियों द्वारा ज़िंदा घोड़े की पूरी कीमत के बराबर यहाँ तक कि मरे घोड़े की पूंछ भी खरीदी जाती थी यस, ये भी सही है और नुनेज ने दर्ज किया है कि विजयनगर के शासकों द्वारा प्रतिवर्ष तीस हज़ार युद्ध के घोड़े खरीदे जाते थे नहीं ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और विजयनगर शासकों ने अश्व प्रजनन और उनके रख को संरक्षण प्रदान किया था ये स्टेटमेंट भी गलत है और ई स्टेटमेंट कहती है कि देव राय ने अल्बुकर्क के अश्व व्यापार पर नियंत्रण के बदले यहाँ तक के ढेर सारा धन प्रदान किया था हाँ ये ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है तो तीन स्टेटमेंट यहाँ सही होनी चाहिए ए बी और ई e. तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन चार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही को यहाँ पर हमने चिन्हित करना है तो ये क्वेश्चन जू ने ड्रॉप कर दिया था ठीक है इसका कारण पता क्या था कि कृष्णदेव राय ने मधुर विजियम की रचना की ये स्टेटमेंट पहले भी गलत है क्योंकि मधुर विजियम की रचना जो है वो गंगा देवी ने की थी ठीक है गंगा देवी ने की थी और तेलुगु और कन्नड़ साहित्य दोनों को विजयनगर शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त था ये स्टेटमेंट भी गलत है तो अगर ए भी गलत है बी भी, भी गलत है यहाँ पर ए इसमें भी है ये भी कट जाएगा बी इसमें भी है ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो इसलिए जू ने ये क्वेश्चन ड्रॉप ही कर दिया था ठीक है और देवरादित्य ने अमुक्त मालदाय की रचना की ये तो सही थी स्टेटमेंट और माधवाचार्य ने पार्श्व माधवी की रचना विजयनगर शासन के दौरान की थी हाँ ये स्टेटमेंट भी ठीक है और रानी गंगा देवी ने वाराणवी का परणियम की रचना की थी ये भी स्टेटमेंट सही थी सी डी ई आंसर होना चाहिए इसका लेकिन जो ऑप्शन में वो नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं के वी कृष्णन आयर के अनुसार किस शक्ति के द्वारा कोजी कोड की विजय के साथ ही मामानकम का मेला समाप्त हो गया था तो के वी कृष्णन के अनुसार जो मैसूर के सुल्तान हैं उनके द्वारा जो कोजी कोड की विजय की गई थी उसके साथ ही मामानकम का मेला समाप्त हो गया था तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन दो मैसूर के सुल्तान चलिए ये पैराग्राफ है पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं निम्नलिखित गथाँश को अच्छे से पढ़िए फिर उसके उत्तर कीजिए जू जी में ये बहुत ही एक प्रकार के आपको गिफ्टेड क्वेश्चन होते हैं अगर आपको पैराग्राफ में थोड़ा सा आइडिया हो गया ना कि पैराग्राफ में पूछा क्या है क्वेश्चन कहाँ से रिलेट कर रहे हैं पैराग्राफ केवल क्वेश्चन रिलेट करने के लिए दिया जाता है बाकी तो आपको खुद से ही करना पड़ता है ठीक है चलिए इस क्वेश्चन पेपर में जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से पढ़ते हैं भारतीय एक ईश्वरवादी ईश्वर के दिव्य दर्शन को साक्षात्कार कहते हैं अर्थात ईश्वर को अपने मस्तक की आँखों से देखना होता है जय ज्ञात रहे कि ईश्वर का दिव्य दर्शन चाहे पैगंबरों द्वारा हो ईश्वर उन्हें शांति दे अथवा पूर्ण दिव्य द्वारा ईश्वर उनकी आत्माओं को पवित्र करे चाहे इस दुनिया में या अगली दुनिया में चक्षुओं से भी भीतरी चक्षुओं से उस पर संदेह अथवा विवाद नहीं किया जा सकता और जो ग्रंथ के पुरुष एहल एक किताब पर यो पुरुष ये बुक है ना इसको जरूर नोट कर लेना यही किताब है पूर्ण दिव्य और सभी धर्मों के दृष्टा हैं चाहे वे क़ुरान के मानने वाले हैं वेदों के बुक ऑफ डेविड के या फिर ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट के इस मामले में उनकी एक समान आस्था है अब जो ईश्वर को पाने पर विश्वास नहीं करता वह अपने समुदाय का एक विचारहीन और दृष्टिहीन सदस्य है कारण यह है कि यदि वह परम पिता सर्वशक्तिमान है तो कैसे उसमें वह शक्ति नहीं है कि वह स्वयं को प्रकट करें इस विषय को सुन्नी संप्रदाय के उलेमा द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से बताया गया है परंतु यदि यह कहा जाता है कि परम पिता दहाते बहत को पाया जा सकता है यह असंभव है क्योंकि परम पिता परीक्षित और अनिश्चित है ठीक है और चूंकि उसे निश्चित नहीं किया जा सकता वह केवल परिष्कार आवरण में ही प्रकट है और इसलिए उसे पाया नहीं जा सकता और ऐसे उसे पाना असंभव है और यह सुझाव है कि अगली दुनिया में पाया जा सकता है इस दुनिया में नहीं आधारहीन है क्योंकि यदि वह सर्वशक्तिमान है तो उसे यह शक्ति है कि वह स्वयं को किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी समय प्रकट करे यह मेरी धारणा है ऐसा लिखा है जो कि उसे यह अर्थात दुनिया में नहीं पाया जा सकता वहाँ उसे मुश्किल से ही पाया जाएगा जैसा कि उसने पवित्र आयात में कहा है जो यह दृष्टिहीन है वह इसके बाद भी दृष्टिहीन ही रहेगा मुतलिजा और शिया हकीम जो के उसे पाने के विरोधी हैं वे इस मामले में एक बड़ी भूल कर रहे हैं क्योंकि अगर उन्हें मात्र परम पिता को पाने की समर्थ से इनकार किया होता तो फिर भी कुछ औचित्य था लेकिन रियात अर्थात उसे पाने के सभी रूपों को नकारना एक बड़ी गलती है ठीक है चलिए ये पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिया आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं लेखक के अनुसार परमपिता को निम्नलिखित में से किस रूप को छोड़कर सभी रूपों में पाया जा सकता है पैराग्राफ में बिल्कुल दिया है कि परम्पिता के रूप में आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन तीन गदांश को हमने अच्छे से पढ़ा है देखा है हमने इसमें कौन सा विवाद उठाया गया है तो इसमें यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो विवाद आप उठा हुआ देखते हैं कि ईश्वर के दिव्य दर्शन के संबंध में इस्लामी अस्वकृति क्योंकि इस्लाम धर्म उसमें क्लियर कट कहा है कि ईश्वर का जो दिव्य दर्शन है उसको इस्लाम अस्वीकार कर रहा है तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन तीन होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं दिव्य को पाने में निम्नलिखित में से किसने नकारा है तो ये दिव्य को आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे ना तो जो शिया संप्रदाय वाले लोग हैं दिव्य को पाने के बारे में नकार रहे हैं बिल्कुल भी तो आंसर होगा यहाँ पर तीन लेखक निम्नलिखित में से किस विचार के पक्षधर है जो लेखक है इस पैराग्राफ का वो किस विचार के साथ किसके विचार के साथ जाना चाहता है वो कहता है कि ईश्वर को इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों में पाया जा सकता है आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही मिलेगी तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन दो ईश्वर की शक्ति निम्नलिखित में से उसकी किस सामर्थ्य से प्रदर्शित होती है तो ये उसके द पावर ऑफ द गॉड डिस्प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलिंग देखिए चार स्टेटमेंट्स हैं परिष्कार का अनुसरण मुक्ति प्रकटन या फिर छिपे रहना देखिए ईश्वर की शक्ति अगर सामार्थ्य से प्रदर्शित होती है तो उसका मेन जो कारण होता है वो प्रकटन होता है ठीक है डिस्क्लोज़र समझ गए ना आप तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन तीन चलिए इस पैराग्राफ को पढ़िए अच्छे से ठीक है हम पूर्व से आए लोग जो इस मंच पर लगातार बैठे हुए हैं हमें हम पर कृपा करने के अंदाज़ में बताया गया कि हमें ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि ईसाई देश सर्वाधिक संपन्न है हम अपने आसपास देखते हैं और दुनिया में सर्वाधिक संपन्न ईसाई देश इंग्लैंड को देखते हैं तो जो 250 करोड़ एशिया वासियों की गर्दन पर पैर रखकर बैठा है हम इतिहास में लौटकर देखते हैं कि ईसाई यूरोप की संपन्नता स्पेन के साथ शुरू की थी स्पेन की संपन्नता मैक्सिको पर आक्रमण के साथ आरंभ हुई थी ईसाई धर्म ने अपनी संगी साथियों के गले काट कर संपन्नता हासिल की है हिंदू इस कीमत पर संपन्नता नहीं लेंगे आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ मैंने सबसे ज़्यादा शश गुणता की बातें सुनी है चलिए आगे बढ़ते हैं और पैराग्राफ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है अब यहाँ पर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं कि यह वक्तव्य निम्नलिखित में से किस अवसर पर दिया गया था तो ये वक्तव्य दिया गया था जब अमेरिका की खोज के 400 वर्ष पूरे हुए थे ना उस समय ये वक्तव्य दिया गया था तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन दो लिखित वक्तव्य निम्नलिखित में से किसका भाग है ये हिंदूवाद पर अलेख लिखा गया है ठीक है तो आंसर इज फोर हु अमंग द फॉलोइंग कोटेड द अबव स्टेटमेंट तो ये स्टेटमेंट है आर सी मजूमदार की ठीक है तो आंसर इज टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश्ड आर सी मजूमदार की ये स्टेटमेंट जो है शिकागो डेली ट्रिब्यून में पब्लिश हुई थी तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन एक तो ये वक्तव्य किसने दिया था जी वक्तव्य दिया था रामकृष्ण परमहंस ने तो आंसर इज़ फोर तो ये थे टोटल हंड्रेड क्वेश्चन ऑफ़ यू जी सी नेट हिस्ट्री सेकेंड शिफ्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर था तो उम्मीद है कि आप सबने इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सुना होगा समझा होगा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम अभी आप देने वाले हैं उसके लिए आप अपने आप को प्रपेयर कर लें तो वो आपका बहुत अच्छे से जाए आपका जे हो जैसे ही आपका जे होता है तो आप मुझे इस नंबर पर सेवन नाइन सेवन थ्री वन जीरो नाइन फाइव फोर सेवन इस नंबर पर मुझे कॉल करिएगा या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है डबल नाइन वन फोर नाइन फाइव फोर थ्री फाइव फोर आप मुझे इस नंबर पर भी मैसेज करिएगा आपको इस वीडियो का पी हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा तो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपने वहाँ से सीधा उसको लॉग करके डाउनलोड करना है और प्रैक्टिस करनी है तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान करे आपका जे हो आप मुझे मैसेज करें कॉल करें तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलता है कभी मेहनत विफल नहीं होती मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद